हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। दोस्तों, हम सोम एंड मॉस की रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें कि आज के इस लेक्चर में हम ऑल फॉर्मूलेज का रिवीजन करेंगे। सोम एंड मॉस के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं सभी को हम आज के सिंगल लेक्चर में रिवाइज कर लेंगे बहुत अच्छे वे में, ठीक है। और हमारा ये बैच चल रहा है लास्ट मूवमेंट बैच, और लास्ट मूवमेंट बैच ओनली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर सोम एंड मॉस के अलग अलग पार्ट बताए थे किस तरह से हम इसका रिवीजन करेंगे, तो मैंने इसको 4-5 पार्ट में बांटा था, जिसमें सबसे पहला पार्ट था हमारा ऑल डेरिवेशंस एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। तो ये वाला पार्ट हमारा 2 लेक्चर में कवर हो गया था, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो जो भी बच्चे नए हों, चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सोम एंड मॉस रिवीजन क्लासेस नाम से, आप लोग देख सकते हैं। ये ऑल डेरिवेशंस हमने रिवाइज कर लिए, ठीक है। बाकी पीडीएफ के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देंगे कैसे मिलेगा इसका टोटल पीडीएफ अलग अलग पार्ट वाइज, ठीक है। ऑल फॉर्मूलेज आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे, इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम इम्पोर्टेंट थ्योरी, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा पैटर्न चल रहा है। और थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जो जी टेक पॉली का एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर लॉन्च हो चुका है, अभी उसमें कुछ भी पेड नहीं है, सब कुछ फ्री है। तो सिविल और मैकेनिकल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ हम जो रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं इन सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहाँ पर। जैसे अभी मैंने पीडीएफ डाल दिया था ऑल डेरिवेशंस एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का, जो हमने पिछले 2 लेक्चर में कवर किया था। हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे, वो एग्जाम टाइम पर आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। फिर आपको ये बड़े बड़े लेक्चर्स उस समय नहीं देखने पड़ेंगे, उस समय सिर्फ पीडीएफ को खोल कर रिवाइज करना होगा आपको, तो बहुत हेल्प होगी। तो आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर कर लें, ठीक है। और दूसरी चीज़, ऑल फॉर्मूलेज का जो भी पीडीएफ आएगा, जैसे आज का ये लेक्चर खत्म हो रहा है, इसका पीडीएफ भी मैं आज लेक्चर के तुरंत बाद ही एप्लीकेशन पर डाल दूंगा, तो आप लोग जरूर इंस्टॉल कर लें एप्लीकेशन को और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके इजीली आप अपना रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। और पेड कोर्स की अगर बात करें तो पेड कोर्स अभी लॉन्च नहीं किया, जब भी किया जाएगा बहुत मिनिमम फीस में करेंगे, आप सबकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। हालांकि मैंने आरसीसी के लिए बता दी थी फीस आपको, फिर भी मैं कुछ कूपन भी लगाऊंगा, जिसमें बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए कुछ है अलग से, तो उनके लिए मैं कूपन जनरेट करूंगा जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा उनको। कोई बच्चा वैसा नहीं होगा जो पैसे की वजह से ना पढ़ पाए, ठीक है, आपको वहाँ पर भी पढ़ाया जाएगा। बाकी YouTube में बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने वाला, YouTube हमेशा रहेगा, 1-2 सब्जेक्ट ऐप पर चला करेगा, बाकी सारे सब्जेक्ट हमारे YouTube पर ही रहेंगे, ठीक है। तो जो फ्री का कंटेंट है एटलीस्ट उसके लिए आप लोग एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लें, जैसा आपने अभी तक YouTube पर अपना प्यार दिया, टेलीग्राम पर भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, वैसे ही ये एप्लीकेशन भी आप सबकी सुविधा के लिए है, तो इसमें भी आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे इंस्टॉल करें, इससे ऐप की रैंक बढ़ जाएगी, ठीक है। उसकी कोई फीस नहीं है, केवल आपको इंस्टॉल करना है, उससे रैंक की, उसकी जी टेक पॉली का जो एप्लीकेशन है थोड़ी सी रैंक अच्छी रहेगी, तो अच्छा लगेगा देखने में मुझे भी, इतना सपोर्ट कर दीजिए बस, ठीक है। बाकी तो हम यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर। तो अब चलिए हटाते हैं इसको और स्टार्ट करते हैं ऑल फॉर्मूलेज को। आप लोगों ने ये सब तो लिख रखा होगा पहले से, चलिए तो आप लोग लिख सकते हैं। देखिए फॉर्मूलेज के जो चैप्टर है ना, उन जैसे पहला चैप्टर हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल था, उसमें कोई फॉर्मूले नहीं थे। दूसरा चैप्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ था, तो हम चैप्टर वाइज फॉर्मूले लिखेंगे तो सीक्वेंस में बनी रहेंगी, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर का नाम रहेगा हमारा कौन सा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आप चाहें तो अपने हाथ से भी साथ साथ लिख सकते हैं, कोशिश यही करना कि आप याद कर लें इनको, ठीक है। ये पहला जो हमारा यहाँ पर सीक्वेंस में ले रहे हैं हम, जो हमारा नंबर 1 पर रहेगा चैप्टर, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन रहेगा, पहले इसके सभी फॉर्मूले हम लिखेंगे, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले मैंने हालांकि पहले ही लिख लिए, जिससे हम सीक्वेंस हमारा बना रहेगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला आएगा हमारा स्ट्रेस का, सबसे पहला फॉर्मूला स्ट्रेस, ठीक। स्ट्रेस हिंदी वाले बच्चे प्रतिबल कह सकते हैं, बाकी अब इतना तो सबको पता चल गया होगा स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। इतना क्लियर। यहाँ पर साथ में मैं यूनिट भी आपको बता दे रहा हूँ इसकी, फोर्स न्यूटन में होता है, एरिया मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसको हम पास्कल बोलते हैं, ठीक है, पास्कल। मतलब यहाँ पर हम जो फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं, केवल आपके जो एग्जाम होंगे ना उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आएंगे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तैयारी के लिए हम फॉर्मूले तैयार कर रहे हैं, इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा फॉर्मूले का, जो जो चीज़ें यूज होंगी सारी चीज़ यहाँ बताई जाएंगी आपको। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या होता है, 1 पास्कल होता है। अब अगर कहीं पर अभी एमपीए लिखा आ जाए, मेगा पास्कल, तो ध्यान रखेंगे 1 एमपीए में 10 की घात 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है,
यानी 10^6 पास्कल होता है। इसको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 1 न्यूटन पर mm² आता है। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अब लास्ट टाइम है तो आप रट लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, चीज़ों को। आप हालांकि ये सब कुछ समझाया गया था डिटेल में, बट ये लास्ट मोमेंट बचा है, इसमें सिर्फ याद करना है आपको चीज़ों को। अगर कहीं पर GPA लिखा है, GPA, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं ना तो स्ट्रेस को न्यूटन पर mm² में पुट करते हैं, तो 1 MPa लिखा है तो 1 न्यूटन पर mm², 1 GPa लिखा है तो 10^3, 10^3 हो जाता है हमारा MPa, मेगा पास्कल, या फिर 10^3 न्यूटन पर mm², ठीक है, न्यूटन पर mm² में। हालांकि गीगा में 10^9 होता है न्यूटन पर mm², लेकिन 9 में से 6 इधर चलेगा तो आपका MPa बन गया ये, ठीक है। तो 10^3 हो जाता है मेगा पास्कल या 10^3 न्यूटन पर mm². सिर्फ इतना सा आपको स्ट्रेस के बारे में याद रखना है। इसके बाद आप टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, इस सब के फॉर्मूले लिख दें, मतलब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस वाले फॉर्मूले आप लिख रहे हैं मैं करके। सबसे पहले हमारा रहेगा टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस आप सब जानते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस हो जाता है हमारा क्या, सिग्मा के साथ में टी लगा दे रहा हूँ, टी फॉर टेंशन होता है। इसमें आएगा टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला, क्लियर। दूसरा फॉर्मूला जो रहेगा हमारे यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस का रहेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी संपीड़न, ये तनाव प्रतिबल या संपीड़न प्रतिबल हो गया, इसको सिग्मा सी से दर्शा सकते हैं। इसमें कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया आएगा, ये हो गया दूसरा, क्लियर ना। इसी तरह से तीसरा लिखेंगे हम यहाँ पर शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस मतलब कर्तन प्रतिबल। शियर स्ट्रेस को सिग्मा एस से दर्शा दो या फिर टाओ से भी दर्शा देते हैं, टाओ से, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, शियर फोर्स, शियर फोर्स अपॉन में एरिया, बस ऊपर जो है ना फोर्स की जगह पर उसी टाइप का फोर्स आ जाएगा। अगर टेंसाइल स्ट्रेस तो टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया, कंप्रेसिव स्ट्रेस कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया, शियर स्ट्रेस शियर फोर्स अपॉन एरिया। अगला है डायरेक्ट स्ट्रेस, कौन सा, डायरेक्ट स्ट्रेस चौथा, चौथा कौन सा है, डायरेक्ट स्ट्रेस। बस रिवीजन करते रहिए अपने माइंड में, मैं जब जैसे यहाँ शब्द लिखूँ ना अपने मन में बोल दिया करें इसका फॉर्मूला ये होगा, फिर जो मैं लिखूँ उससे देख लें आपका सही बोला आपने तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे मैंने डायरेक्ट स्ट्रेस लिख दिया तो आपके माइंड में तुरंत इसका फॉर्मूला आ जाना चाहिए, सिग्मा डी बराबर क्या होता है, डायरेक्ट लोड अपॉन एरिया, डायरेक्ट लोड। अब किसी भी सेक्शन के ऊपर डायरेक्ट लोड आ रहा है, वो कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी कैसा भी हो सकता है, ठीक है, अपॉन एरिया, डायरेक्ट लोड अपॉन एरिया, ठीक। इसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला जल्दी से बता दीजिए अपने मन में ही, खुद ही बोल लीजिए क्या है, बोल बोल के याद कीजिए बेंडिंग स्ट्रेस, ये समझिए आपके एग्जाम की तैयारी चल रही है। बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी, बोलिए बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला, माई अपॉन आई, ट्रिक आपको बताई थी ना, माई अपॉन अपॉन आई, बाई छोटा लिख लीजिए, एम बाई, बाई अपॉन, ये हो गया माई अपॉन आई से याद कर लेंगे। यहाँ पर ये आपने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन पढ़ी है ना, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाई इक्वल टू ई अपॉन आर, तो इस ई अपॉन आर को तो छोड़ दो, इसमें देख लो सिग्मा निकालना, ये बेंडिंग स्ट्रेस होता है, बाई को इधर ले जाओ तो एम बाई अपॉन आई हो जाता है। बोलिए क्लियर है सभी को ये, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला, एम यहाँ पर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध आघूर्ण, या फिर बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं इसकी जगह पर। बाई आपका जो होता है न्यूट्रल एक्सिस से बाहर तक की डिस्टेंस, जैसे कोई सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है बाई होती है, जानते हैं आप सब लोग। आई मूवमेंट ऑफ इनर्सिया होता है जड़त्व आघूर्ण, एक्स अक्ष के अबाउट, ठीक है, क्योंकि बीम हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, एक्स अक्ष के अलोंग होती है। यहाँ तक समझ आया, ये हमारा स्ट्रेस वाला पार्ट खत्म हो गया। स्ट्रेस में ये वाले फॉर्मूले हैं मेनली, इसी से बने हैं सारे फॉर्मूले, फोर्स अपॉन एरिया से, बस बेंडिंग वाला अलग है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, क्लियर हुआ। अब चलते हैं स्ट्रेन के ऊपर, ये स्ट्रेस का पार्ट हो गया। स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब विकृति, स्ट्रेन मतलब विकृति, विकृति का फॉर्मूला आप सब जानते हैं क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला बोलिए, ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर। स्ट्रेन को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल होता है, डेल्टा एल अपॉन एल होता है, ठीक है। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, यानी यूनिट लेस हो जाएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है, मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक। अब टाइप्स में देख लें कौन कौन से टाइप की हैं। सबसे पहले है लीनियर स्ट्रेन, फर्स्ट इज लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, लीनियर का दूसरा नाम भी होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य विकृति या रेखीय विकृति। इसको ई के साथ में आप लीनियर, एल आई एन लगा दीजिए शॉर्ट में,
ठीक है, लीनियर ई लीनियर बराबर जो डेल्टा एल अपॉन एल होता है ना, इसी को लीनियर कहते हैं, लीनियर। ठीक है, कैसे, जैसे ये कोई भी छड़ है, ठीक, ये कोई छड़ है, आपने इसके ऊपर इस तरह से कोई एक फोर्स लगाया इस तरह से, और इसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ गई, लेंथ इसकी कुछ बढ़ गई, ऐसे सपोज पहले लेंथ एल थी, बाद में बढ़ गई डेल्टा एल लेंथ और बढ़ गई इसकी, तो डेल्टा एल अपॉन एल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ आपका जो स्ट्रेन होता है, इसी को हम लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के अलॉन्ग हो रहा है। अब इसी के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे पहले डायामीटर यहाँ से यहाँ तक क्या था, डी था, पहले डी था, अब डायामीटर ये घट गया, कुछ कम हो गया यहाँ से, तो डायामीटर में जो चेंज आता है ना, तो डी माइनस डी डैस का चेंज आता है, यानी इधर और इधर जो घटा वो डी डैस डेल्टा डी घट गया, क्या घट गया, डेल्टा डी, डी डैस नहीं डेल्टा डी, इधर का भी डेल्टा डी माइनस हो गया, तो डी माइनस डेल्टा डी बचता है यहाँ पर। तो इस केस में जो स्ट्रेन होता है, यानी फोर्स के परपेंडिकुलर जो स्ट्रेन आता है, उसे कहते हैं हम लेटरल स्ट्रेन, यानी इसको कहते हैं हिंदी में पार्श्व विकृति, ई लेटरल। पार्श्व विकृति क्या हो जाएगी, डेल्टा डी अपॉन डी, अगर ये डायामीटर है तो डी चौड़ाई है, तो बी मोटाई है, तो टी लेंथ के अलावा जो भी डायमेंशन होती हैं उनमें चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये वाला हो जाता है आपका लेटरल। ठीक है, लिख लेंगे सभी, ये आपका ई लेटरल का फॉर्मूला, दो टाइप की आपकी स्ट्रेन ये हो गई। बोलिए यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आता है शियर स्ट्रेन, तीसरा शियर स्ट्रेन, इनको लिख लीजिएगा प्लीज सही से, ठीक, तीसरा लिखिए शियर स्ट्रेन, यहां से लिख देते हैं तीसरा शियर स्ट्रेन, हिंदी में इसको कर्तन विकृति कहते हैं, कर्तन विकृति, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, कर्तन विकृति को फाई से। जैसे हमने हुक्स लॉ पढ़ते हैं ना, हुक्स लॉ में क्या होता है, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ई, ऐसे ही टाओ जो होता है शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पर टाओ बराबर करते हैं तो कैपिटल जी इंटू फाई आता है, तो जी को इधर ले जाते हैं, तो ये टाओ मतलब शियर स्ट्रेस, ये फॉर्मूला क्या आता है डियर, ये आता है शियर स्ट्रेस इसको टाओ से प्रदर्शित करते हैं अपॉन में, इस जी का जो नाम होता है ना, इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, या शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, और मुझे लगता है इतना आप लोग पढ़ चुके हैं, सबको याद होंगे टेक्निकल टर्म्स, ये टेक्निकल टर्म्स सभी को याद होंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसकी परिभाषा हो गई, शियर स्ट्रेन की। कर्तन विकृति बराबर कर्तन प्रतिबल बट्टे कर्तन मापांक या दृढ़ता मापांक, फाइव बराबर टाओ अपॉन जी, याद है सभी को। इसके बाद अगला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यहाँ लिख देते हैं चौथा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हिंदी में आयतन विकृति कहते हैं इसको, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेन हिंदी में आप आयतन विकृति बोल सकते हैं, इसको स्मॉल ई के साथ बी लिख देते हैं, स्मॉल ई बी बराबर क्या होता है, ये ई बी बराबर चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, स्ट्रेन में इतने ही टाइप थे, यस इतने ही टाइप थे, तो स्ट्रेस हो गया हमारा, स्ट्रेन हो गया, ये इसके फॉर्मूले हो गए। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मन है तो, बाकी आप साथ साथ बोल बोल के याद करते रहिए। ठीक है, अब इसको हटाते हैं और आगे मूव करते हैं हुक्स लॉ की तरफ। चलिए हटा दें इसको, अपनी स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन रखेंगे, ठीक है, मेरे साथ साथ अपनी स्पीड को मेंटेन रखेंगे, जिससे कि हम लगभग एक घंटे में सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लें, बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको, जल्दी से जल्दी समझा देंगे। ठीक है, सब कुछ याद है, सिर्फ आपको रिवाइज करा रहे हैं ताकि सिंगल लेक्चर में आपको सभी फॉर्मूले मिल जाएं एक ही पास। अभी हमारी यही चैप्टर चलेगा, इसी के फॉर्मूले चलेंगे, अभी स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्मूले हो गए। इसके बाद आगे आएगा हमारा हुक्स लॉ, हुक्स लॉ का फॉर्मूला, ठीक है, हुक्स लॉ इसी चैप्टर के अंदर है, हुक्स लॉ, हिंदी वाले बच्चे कह सकते हैं हुक का नियम। ठीक है, इतना सबको पता है ये हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही होता है ना, प्रतिबल विकृति का सीधे समानुपाती होता है। यहाँ से आप स्ट्रेस बराबर करेंगे तो कैपिटल ई इंटू में स्मॉल ई आता है, कैपिटल ई हमारा यंग प्रत्यास्थता मापांक होता है, या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता मापांक। कैपिटल ई बराबर क्या आएगा, इसको इधर ले आएंगे तो सिग्मा अपॉन स्मॉल ई। ठीक है, ये आपके हुक्स लॉ के तीन फॉर्मूले हो गए, मेनली ये एक था इससे ही बने हैं सभी। ठीक है, हुक्स लॉ के ये फॉर्मूले। इसके बाद इलास्टिक कॉन्स्टेंट आएंगे आपके, इसी में इलास्टिक कॉन्स्टेंट यहाँ लिख देते हैं,
इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स ठीक, एकदम बेहतरीन कंटेंट है, ये आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन क्लासेस से। इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स में सबसे पहला रहेगा हमारा, सबसे पहला फर्स्ट वाला कैपिटल ई। कैपिटल ई का नाम क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। जस्ट अभी आपने फॉर्मूला देखा था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन सिग्मा अपॉन ई, ये होता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। इनके सिंबल के नाम याद रखना, सिग्मा यहाँ पर स्ट्रेस होता है प्रतिबल, स्मॉल ई यहाँ पर स्ट्रेन होता है विकृति, कैपिटल ई यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है यानी कि प्रत्यास्थता मापांक या फिर यंग मापांक। क्लियर हुआ? दूसरा जो रहेगा हमारा सेकंड इसमें रहता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हिंदी में दृढ़ता मापांक कहते हैं, या दूसरा नाम इसका सीयर मॉडुलस होता है, कर्तन मापांक, इसको जी से प्रदर्शित करते हैं, जी से ठीक है। जिस तरह से यहाँ से सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल ई के था, वैसे टाओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फाई के होता है, सीयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीयर स्ट्रेन के, तो टाओ बराबर कैपिटल जी इंटू फाई आता है, तो कैपिटल जी निकालेंगे तो इधर आ जाता है ये, तो कैपिटल जी क्या जाता है टाओ अपॉन में फाई ठीक है। टाओ यहाँ क्या होता है? टाओ सीयर स्ट्रेस होता है, कर्तन प्रतिबल, फाई सीयर स्ट्रेन होता है, कर्तन विकृति। मैं सिर्फ नाम बोल रहा हूँ या रिवीजन है, इसलिए सब कुछ लिखेंगे नहीं, आपके पास नोट्स होंगे पहले से, हमारा मेन पर्पस सिर्फ फॉर्मूले को आपको रिवाइज कराना है ठीक है, ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा कंटेंट गेन कर सकें। चलिए तीसरी चीज, तीसरा फॉर्मूला आएगा वल्क मॉडुलस, वल्क मॉडुलस आयतन मापांक, इसका हिंदी होता है आयतन मापांक, आयतन मापांक इसे के से प्रदर्शित करते हैं, के से, के बराबर बताइए क्या होता है? आयतन मापांक डायरेक्ट स्ट्रेस लेते हैं अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा अपॉन में ये वाला सिग्मा ये जो था ठीक है, अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ई बी ठीक है। ई बी का फॉर्मूला पीछे देख ही चुके थे, ई बी बराबर डेल्टा बी अपॉन बी आता है, तो इसको हम वल्क मॉडुलस कहते हैं। बोलिए क्लियर है इतना? सिग्मा अपॉन ई बी, वल्क मॉडुलस भी हमारा हो गया। इसके बाद पॉइजन रेशियो, चौथा जो कॉन्स्टेंट है कौन सा है? पॉइजन रेशियो, हिंदी में पॉइजन अनुपात कह सकते हैं आप इसे ठीक है, पॉइजन रेशियो। पॉइजन अनुपात को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, किससे? म्यू से, म्यू बराबर माइनस में होता है। अभी आपको पीछे बताया था दो तरह की स्ट्रेन बताई थी, जैसे ये कोई बॉडी है इधर से फिक्स है, इस पर आपने फोर्स लगाया, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, इसकी लेंथ बढ़ गई, पहले एल थी और डेल्टा एल यहाँ पर और बढ़ गई, डेल्टा एल और बढ़ गई यहाँ पर, तो ये तो आपका डेल्टा एल अपॉन एल आपको क्या बताया था, ये लीनियर स्ट्रेन होता है, रेखीय विकृति। इसके बाद इधर डायमीटर था कुछ इसका डी, डायमीटर भी कम हो गया तो यहाँ पर दूसरी डायमेंशन में चेंज हो रहा है डी में, तो ये लेटरल स्ट्रेन हो जाता है डेल्टा डी अपॉन डी, समझ पा रहे हैं? तो ये लेटरल स्ट्रेन ऊपर लिखते हैं क्या, लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन यानी पार्श्व विकृति अपॉन में लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन यानी अनुदैर्ध्य विकृति या रेखीय विकृति, इन दोनों के अनुपात को पॉइजन अनुपात कहते हैं। यहाँ से फॉर्मूले से आपकी डेफिनेशन भी बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी, छोटी छोटी डेफिनेशंस, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन आपसे पूछता था, आप क्या बोलते, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, प्रतिबल और विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता मापांक कहलाता है। यहाँ बोल देते आप कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति के अनुपात को हम दृढ़ता मापांक कहते हैं। रेशियो ऑफ सीयर स्ट्रेस एंड सीयर स्ट्रेन इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ऐसी वल्क मॉडुलस की डेफिनेशन आप बोल देते क्या, इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ठीक है, यानी सीधे प्रतिबल और आयतनात्मक विकृति के अनुपात को हम आयतन मापांक कहते हैं। पॉइजन रेशियो में नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि लंबाई बढ़ती है तो इसकी चौड़ाई या फिर डायमीटर कम हो जाता है, इसीलिए माइनस आता है आगे, तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन होता है। अगर आप फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो माइनस में लेटरल मतलब डेल्टा डी अपॉन डी लिख दीजिए, अपॉन में इधर डेल्टा एल अपॉन में एल लिख दीजिए ठीक है। ये इसका
सिंबल की फॉर्म में हो गया फॉर्मूला म्यू की वैल्यू। चारों समझ आ गए, अब इन चारों में रिलेशन होता है आपस में, रिलेशन के फॉर्मूले और लिख लीजिए। इधर मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया इसको, इधर हम इन सब में रिलेशन लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टेंट, रिलेशन बिटवीन किस किस में, कैपिटल ई कॉमा जी कॉमा के एंड म्यू, इन सब में रिलेशन देखिए क्या क्या होंगे। तीन ही मेन फॉर्मूले आप सबको लिखवाए गए हैं, याद कर लीजिए। सबसे पहले आया 2G, पहले कौन आया, सबसे पहले 2G आया था, उसके बाद ही तो 3G आया है। तो 2G में हमने एक जोड़ दिया म्यू, 1 + μ, 2G वाले में प्लस होता है। इसके बाद 3 वाला आ जाता है, 3 में k होता है, 3 के इसमें से कम करते हैं, 2 वाले में जोड़ेंगे तब 3 आता है, 3 में से कम करते हैं, मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा माइनस का 2μ। याद करने का मतलब है 2G वाले में प्लस आएगा तो 1 + μ, 3K वाले में माइनस आएगा तो 1 - 2μ, ठीक है, यहाँ पर 2μ रहता है, याद हो जाएगा। दो रिलेशन हो गई है, तीसरा रिलेशन इसमें म्यू हटा देना दोनों में से, जब म्यू हटाते हैं तो E बराबर आता है 9kg, कितना 9kg अपॉन 3K और प्लस में G, ऊपर 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9kg, नीचे 3 है kg, बस बीच में प्लस आ गया है, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इधर kg है डायरेक्ट और यहाँ k + g है, क्लियर, याद कर लीजिएगा अपने तरीके से, जो भी आपको बेस्ट एंड सुटेबल लगता है उस तरीके से याद करें, बट जरूर याद करें इन्हें। ये रिलेशन हो गए, आई थिंक रिलेशन यही तीन थे, यस यही तीनों हैं। इसके बाद देखिए अभी इसमें और भी फॉर्मूले हैं, थोड़े ज़्यादा फॉर्मूले थे इस चैप्टर में, यहाँ तक बोलिए क्लियर है सभी को, मैं इनको रफ करता हूँ और अब देखेंगे इलोंगेशन के फॉर्मूले, ठीक है, लंबाई में वृद्धि वाले फॉर्मूले, हटा दें इसे, चलिए इसे हटाते हैं, बहुत अधिक टाइम नहीं लेंगे, देखिए बहुत कम टाइम में सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले आपसे नहीं पूछे जाते पेपर में, लेकिन थ्योरी में हेल्प करेंगे और न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेंगे, इसीलिए एक ही पास सारे फॉर्मूले हम रिवाइज कर ले रहे हैं। अभी इसी चैप्टर का अगला फॉर्मूला आएगा हमारा इलोंगेशन, ठीक है, इलोंगेशन PDF भी आपको दे देंगे एक ही पास, फिलहाल लेक्चर देख लीजिए और थोड़ा एप्लीकेशन का प्लीज़ ध्यान रखे हैं, वो आप सबके लिए है, उसे भी ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कर लीजिए। इलोंगेशन का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, देखिए कैसे निकलता है इलोंगेशन, आपने इतना तो देखा ही था, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल ई, स्ट्रेस बराबर कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया बराबर कैपिटल ई, स्ट्रेन होता है चेंज लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इस डेल्टा एल को हम इलोंगेशन बोलते हैं, ये जो डेल्टा एल है ना इसको इलोंगेशन कहते हैं, इलोंगेशन, ठीक है, तो यहाँ से एल को इधर लेके ऊपर पहुँच गया, ई नीचे आ गया, तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या आ गई, एफ एल अपॉन ए ई, ठीक है, हमारा ये आशीर्वाद है आप सबको ए ई बनने का फल प्राप्त हो, ए ई बनने का फल प्राप्त हो, ठीक है, देख लीजिए असिस्टेंट इंजीनियर, लेकिन यहाँ पर एरिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, और एफ एल आपको ट्रिक बताइए, जस्ट ए यानी फल अपॉन ए, ठीक है, एफ एल अपॉन ए, याद रहेगा सभी को, ये इलोंगेशन का फॉर्मूला था ये। इसके बाद और देखिए इसमें इलोंगेशन इन वेरिंग सेक्शन, जब एक से ज़्यादा सेक्शन दे रखे हो तो उनमें इलोंगेशन कैसे निकालेंगे, इलोंगेशन इन वेरिंग सेक्शन, अब यहाँ ये कोई ना कहे सर स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि ये रिवीजन है और रिवीजन में थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन रखते हैं ऐसे ही। इलोंगेशन इन वेरिंग सेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा सेक्शन दिए जाएंगे, लाइक डैट, जैसे एक सेक्शन ये दे दिया, इसके साथ दूसरा सेक्शन ये जोड़ दिया, इसके साथ तीसरा सेक्शन ये जोड़ दिया, ये अलग अलग डायमेंशन के सेक्शन होंगे, चौथा सेक्शन ये जोड़ दिया, इस तरह से अलग अलग सेक्शन जुड़े हैं, इधर आपने कोई एफ फोर्स लगा दिया, एफ फोर्स, ठीक है, इधर को एफ फोर्स लगा हुआ है कोई, अब आपसे कहा गया, अब आप इसमें बताइए इलोंगेशन, सबकी लेंथ आपको अलग अलग दे देगा, L1, L2, L3, L4, इन सबके एरिया अलग अलग होंगे, A1, A2, A3, A4, ऐसी E की वैल्यू अलग अलग होगी, E1, E2, E3, E4, इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मैं न्यूमेरिकल वाले पार्ट में कराऊंगा आपको। तो जब भी आपको इस तरह से बहुत सारे सेक्शन दे रखे हो, वेरिंग सेक्शन कहते हैं इनको, तो उस केस में इलोंगेशन कैसे निकालते हैं, तो जितने सेक्शन है ना सबके इलोंगेशन को ऐड कर दीजिए, यानी कि डेल्टा एल बराबर टोटल इलोंगेशन, ठीक है,
टोटल इलोंगेशन डेल्टा एल बराबर डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री प्लस डेल्टा एल फोर, जितने सेक्शन होंगे और भी हैं तो डैश डैश कर दीजिए, जितने भी सेक्शन हैं वहाँ तक इन्हें ऐड करेंगे सबको। कैसे निकालेंगे तो डेल्टा एल बराबर, देखिए यहाँ पर सब जगह फॉर्मूला यही रहेगा एफ एल अपॉन ए, पहले में, दूसरे में भी एफ एल अपॉन ए, तीसरे में भी एफ एल अपॉन ए, सेम चौथे में भी एफ एल अपॉन ए, ऐसे ही रहते हैं फॉर्मूला। फ़र्क इतना है जो पहला इस पर वन वन लगा दीजिए सब में वन वन, दूसरे वाले पर टू टू, तीसरे वाले पर थ्री थ्री, चौथे वाले पर फोर 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 फोर, पाँचवा होगा तो फाइव फाइव। अब इन सब की वैल्यू आपको यहाँ देखनी है, देखिए फोर्स तो एक ही लग रहा है सब में, तो एफ तो सब जगह एफ हो जाएगा यहाँ सब जगह, तो एल वन लंबाई दे रखी होगी, एल टू एल थ्री एल फोर सारी लंबाई रख देंगे यहाँ पर, सबके एरिया आपको अलग अलग पता होंगे, एरिया ना पता होंगे तो आपको डायामीटर दे रखा होगा डायामीटर डी, जब आपको डाया डी दे दिया जाए और एरिया निकालना हो तो ये भी आपको याद होना चाहिए एज ए फॉर्मूला। एरिया हो जाता है पाई बाई फोर डाया का स्क्वायर, ठीक है, तो सबके डाया अलग अलग दे रखे हो, सबके एरिया निकाल लेंगे। ई की वैल्यू क्वेश्चन में देगा, अगर सेम पदार्थ होगा तो सबकी वैल्यू सेम रहेगी, अलग अलग मटेरियल होगा तो इन सब की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। टोटल इलोंगेशन निकाल देंगे आराम से, ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा, हटा था इसको, इस डायग्राम को सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बनाया था, बाकी फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, फॉर्मूला याद रखेंगे, डेल्टा एल बराबर जितने भी सेक्शन है सबके डेल्टा एल को ऐड कर दीजिए एल थ्री इस तरह से, ठीक है, ऐसे। इसके बाद देखिए इलोंगेशन इन वेरिंग सेक्शन, इसके बाद अच्छा मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस कहीं पे पूछ ले, वेरिंग सेक्शन में ही क्या पूछ ले, मैक्सिमम स्ट्रेस बताओ, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस निकलेंगे ना, तो मैक्सिमम स्ट्रेस जब भी निकालना हो आपको एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पर फोर्स तो कॉमन दे दिया, अभी जो डायग्राम बनाया था फोर्स सब पे सभी सेक्शन पे एक जैसा लग रहा था, तो कौन से सेक्शन में स्ट्रेस ज़्यादा होगा, तो जिसमें एरिया कम होगा मिनिमम एरिया, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू कम है तभी ये ऊपर मेन वैल्यू ज़्यादा मिलती है आपको, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए एरिया मिनिमम होना चाहिए अगर एफ की वैल्यू सभी सेक्शन में सेम है, जैसे चार सेक्शन आपने जो बनाए थे अभी ये वाले, इन सभी सेक्शन में अगर आपका फोर्स सेम लग रहा है एफ, एरिया सबका अलग अलग है, तो जिसका एरिया कम होगा ना उसमें स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला एफ अपॉन ए मिनिमम, नोट कीजिए इसे। अगला देखिए मैक्सिमम के बाद आएगा मिनिमम स्ट्रेस, मिनिमम मिनिमम स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा मिनिमम बराबर एफ अपॉन, यहाँ पर एरिया कैसा आएगा, मैक्सिमम एरिया आएगा, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा, फोर्स अगर कॉमन है तो मिनिमम स्ट्रेस निकल आएगा एफ अपॉन ए मैक्सिमम, ठीक है, बोलिए क्लियर हुआ। स्ट्रेन की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन अब यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेन निकालेंगे हम, जबकि आपका जो कैपिटल ई है ना उसकी वैल्यू सेम है, ई स्मॉल ई मैक्सिमम, ई का फॉर्मूला तो हम सबको पता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये बराबर कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, कैपिटल ई को इधर ले जाओ तो सिग्मा अपॉन कैपिटल ई आ जाएगा स्मॉल ई, ठीक है, ये वाला। तो ई की वैल्यू तो कैसी है आपकी, ई की वैल्यू तो कॉन्स्टेंट है सभी में, सपोज सेम है, चार सेक्शन है चारों के लिए सेम पदार्थ है, मतलब पदार्थ अगर सेम है तो ई की वैल्यू चारों के लिए सेम हो गई, जब ई की वैल्यू सेम है तो ई मैक्सिमम कब आएगा, जब ऊपर सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू रखेंगे नीचे ई, समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ऊपर है, सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी तभी स्मॉल ई की वैल्यू बढ़ेगी, ये तो कॉन्स्टेंट कर दिया, अगर ये चार सेक्शन या तीन सेक्शन है सभी में ई सेम है, ये भी ये भी ये भी, जब ई सेम है तो हम सिग्मा देख के पता लगाएंगे स्मॉल ई का, सिग्मा जिसका ज़्यादा उसका स्ट्रेन ज़्यादा, ठीक है। मिनिमम स्ट्रेन ये न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे, इसलिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ ताकि एग्जाम टाइम पे कोई कैसी भी कन्फ्यूजन ना रहे आपके मन में, और नंबर अगर आपके थोड़े भी कम आए तो आपके कॉलेज के गेट पे मुझे खड़ा होकर मिलना डंडा लेके, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, अच्छे से अच्छे रिटेन करके आना एग्जाम में। सिग्मा मिनिमम अपॉन में ई, मेहनत वसूल करना भाई, ठीक है, आपका रिजल्ट ही हमें और आगे ले जाएगा। ए टीचर बिकम्स वेरी हैप्पी टू सी द सक्सेस ऑफ हिज पीपल्स, ठीक है, याद रखें इतना।
चलिए हटा दें इसको, इलोंगेशन हो गया, इलोंगेशन के जस्ट बाद आएगा आपका, अच्छा अभी और भी है इलोंगेशन, अभी तो वेयरिंग सेक्शन का इलोंगेशन हो गया, इसके बाद है इधर लिख लेते हैं इधर, इसके बाद इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, अब किसी भी वस्तु का स्वयं का भार है उसके कारण लंबाई में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है, स्वयं के भार के कारण लंबाई में वृद्धि, तो दो तरह की हमने बार पढ़ी थी इसमें, एक तो पढ़ा था इन प्रिज्मेटिक बार, प्रिज्मेटिक बार, प्रिज्मेटिक बार जानते हैं ना, ऐसी बार जिसका टोटल क्रॉस सेक्शन पूरी लंबाई में सेम रहे, जैसे जितनी चौड़ाई यहाँ है जितना डायमीटर यहाँ पर है उतना ही यहाँ उतना ही सब जगह सेम हो, ऐसा नहीं कि कोई रॉड ले लिया आपने इस तरह की रॉड है कोई ये इस तरह की, तो इसे हम प्रिज्मेटिक नहीं कहेंगे, इसका डाया कहीं तो कम है कहीं ज़्यादा है, तो कैसी रॉड जिसका थ्रू आउट द लेंथ एरिया सेम हो उसे प्रिज्मेटिक बार कहते हैं, और इस प्रिज्मेटिक बार का कुछ स्वयं का भार होगा जो इसके सेंटर पर लगेगा नीचे की ओर, अगर यहाँ पर डब्लू वेट दे रखा है तो डब्लू की फॉर्म में प्रिज्मेटिक बार में इलोंगेशन का फॉर्मूला डेल्टा एल बराबर जो आता है, W कितना आता है इसमें, W इंटू एल अपॉन टू ए ई, डब्लू एल अपॉन टू ए ई, ठीक है ये आता है, और अगर आपको W ना पता हो आपको इसकी वेट डेंसिटी पता है, वेट डेंसिटी, तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा L बराबर लेमडा L स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर ओनली कितना आएगा एरिया हट जाता है ओनली 2e आता है, ठीक है ओनली 2e आता है, बोलिए क्लियर है इतना, ये यस सही है बिल्कुल, कैसे निकल के आता है ये, तो W अपॉन 2a ही आप याद कर लीजिए, अब W होता है वेट, आपने डेंसिटी, वेट डेंसिटी पढ़ा है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, इसको इधर ले जाओ, W बराबर लैम्डा इंटू वी आ गया, अब आप W के प्लेस पे यहाँ पर अगर W के प्लेस पर लैम्डा इंटू वी लिखेंगे, V और ये L था अपॉन 2a, ध्यान से सुनिएगा, ये लैम्डा है इंटू बी मतलब यहाँ वॉल्यूम है, तो एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम की जगह पर, और ये एक लेंथ यहाँ पर है अपॉन में क्या है 2ae, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाता है, तो लैम्डा इंटू एल का स्क्वायर अपॉन 2e आता है, ठीक है इतना सभी को समझ आ रहा है ये, ठीक है, तो इस तरह से आप दो फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, एक तो W के फॉर्म में डब्ल्यू एल अपॉन 2ae और लैम्डा के फॉर्म में, लैम्डा यहाँ पर वेट डेंसिटी होती है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर लैम्डा क्या है, वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी भार घनत्व है जो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होगा, लैम्डा बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम होगा, ठीक है वेट अपॉन वॉल्यूम, बोलिए इतना समझ आ रहा है, इधर का मिटा रहा हूँ इधर का, लिख गया होगा आप सबको ये, ठीक है ये तो हो गया प्रिज्मेटिक बार के लिए, अब अगर कोई कॉनिकल बार है, सेकेंड इज फॉर कॉनिकल बार या फिर इन कॉनिकल बार, कॉनिकल मतलब शंकु के आकार की, कॉनिकल बार, कोन जानते हैं सभी, कोन कैसा होता है, कोन इस तरह का होता है, देखा होगा आप सबने, देखिए इस तरह से ऐसे बना दीजिए, ये इस तरह से बना के दिखा सकते हैं आप, इसके अलावा आप इस तरह से बना के दिखा सकते हैं, आपका जैसा मन करे आप वैसे बना के दिखा दीजिए, ये ऐसे, ये कौन होता है ना, तो कॉनिकल, ये कॉनिकल बार, कॉनिकल बार में यहाँ पर हमने एक सिरा फिक्स कर दिया ऐसे, इस पर नीचे की ओर वेट लगा रही हूँ, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल के आता बस 2 की जगह 6 हो जाएगा, याद कर लीजिएगा शंकुआकार छड़ के लिए कितना हो जाएगा 2 की जगह 6, डेल्टा एल बराबर डब्ल्यू एल अपॉन 6ae, ठीक है, या फिर डेल्टा एल बराबर लैम्डा के पदों में हो जाएगा ये लैम्डा एल का स्क्वायर अपॉन 6e ओनली, ठीक है ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, कॉनिकल बार के लिए, जो कैसी बार होगी कॉनिकल होगी, इतना बताइए समझ आया सभी को, एक और है टेपर्ड बार के लिए फॉर्मूला, ठीक है इन टेपर्ड बार यहां लिख देते हैं, इन टेपर्ड बार, टेपर्ड बार जानते हैं जो एक तरफ तो कम चौड़ी हो दूसरी तरफ ज़्यादा चौड़ी हो, ठीक है सपोज एक तरफ ये कम चौड़ी है इसका डायमीटर कम है और दूसरी तरफ डायमीटर ज़्यादा है, नीचे बनाए थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं,
इस तरह की जो बार होती है ये टेपर्ड बार है। इधर का डायमीटर देखिए कम है एक तरफ का, दूसरी तरफ का डायमीटर ज़्यादा है। कोई सा भी D1 D2 मान सकते हैं, ये D1 है ये D2 है, अलग अलग डायमीटर यहाँ पर, समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें टेपर्ड बार में इलोंगेशन कितना होता है, तो इसमें जो इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बराबर यहाँ क्या था FL अपॉन ए, तो यहाँ F रहेगा, यहाँ L भी रहेगा अपॉन में, यहाँ पर ए ई था ना, एरिया का फॉर्मूला पाई बाई फोर डी स्क्वायर होता है ना, पाई बाई फोर डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की जगह यहाँ D1 इंटू D2 लिख देते हैं, पीछे ई था तो ये 4 चला जाता है ऊपर, ये 4 आ जाता है यहाँ पर ऊपर। तो इस तरह से आपको याद करने का तरीका बता दिया, 4FL अपॉन पाई D1 इंटू D2 इंटू ई, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला टेपर्ड के लिए, टेपर्ड बार के लिए। इस तरह से इलोंगेशन के सारे फॉर्मूले हो गए एक ही पास, कौन कौन से, इलोंगेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला FL अपॉन AE, वेरिंग सेक्शन में सभी के ऐड कर दीजिए इलोंगेशन, ठीक है। फिर स्ट्रेस स्ट्रेन वाले फॉर्मूले आपको समझा दिए, मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा। उसके बाद प्रिज्मेटिक बार में इलोंगेशन कितना होता है, तो प्रिज्मेटिक बार के लिए 2A आता है नीचे, कॉनिकल बार के लिए 6A आता है, और टेपर्ड बार के लिए 4FL अपॉन पाई D1 D2 ई आता है, या पाई ई D1 D2 कर लीजिए। इस E को पहले लिख दीजिए, D1 D2 को पीछे, ठीक है। मेनली आप ऐसे याद कर लीजिए जैसे आपको बोलने में सही लगे, पाई पाई और E पाई, ठीक है। तो जो भी आपको सुटेबल लगता है अपने अकॉर्डिंग, फार्मूला ये था। तो ये इलोंगेशन भी ख़त्म, अब थोड़ा सा थर्मल स्ट्रेस के फॉर्मूले समझिए। थर्मल स्ट्रेस इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले थे, सारे फॉर्मूले हम रिवाइज कर रहे हैं, खासकर मैकेनिकल के पर्पज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। मैकेनिकल वाले बच्चे तो एक एक फॉर्मूला आप रट लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, जरूर आपका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनेगा यहाँ से। हटाते हैं इसको हटाते हैं, देखते हैं थर्मल स्ट्रेस। देखते चलिए, ठीक है, दो तीन बार देखेंगे खुद से आपको सब कुछ याद होने लग जाएगा। आ जाओ आगे थर्मल स्ट्रेस पर। PDF भी आपको दे देंगे इसका। थर्मल स्ट्रेस में सबसे पहले हम निकालेंगे कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। ऊष्मीय प्रसार गुणांक जो होता है ना, इसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, किससे, अल्फा से। अल्फा बराबर क्या होता है, जो आपने विकृति पढ़ा था ना, डेल्टा एल अपॉन एल, इसे लगाइएगा और नीचे टेम्परेचर में परिवर्तन लिख दीजिएगा ये वाला। तो ये जो फॉर्मूला हो जाता है ये किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है अल्फा का, ठीक है। ये एल आ जाता है नीचे, तो यहाँ से क्या मिल जाता है, डेल्टा एल अपॉन में L इंटू में डेल्टा T। इसी से हम इसकी डेफिनेशन भी बता देते हैं। डेफिनेशन कैसे होती है, डेफिनेशन जैसे ये कोई भी छड़ है ये वाली, ये लंबाई इसकी L थी, ये वाली आपने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, लंबाई हम ऊपर दिखा दे रहे हैं यहाँ पर L, यहाँ आपने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया डेल्टा T, इधर नीचे से आप इसको क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक, इस तरह से गर्म कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए आप इसको कुछ भी, इस तरह से टेम्परेचर दे रहे हैं। तो अब क्या बोलेंगे, L को वन कर दीजिए, डेल्टा T को वन कर दीजिए, तो एकांक लंबाई की छड़ में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होने वाले लंबाई में परिवर्तन को हम रेखीय प्रसार गुणांक या फिर ऊष्मीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ये भी बन, तो अल्फा डेल्टा एल के तो बराबर आ गया, डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन होता है, इलोंगेशन होता है ये, तो लंबाई को एक कह दीजिए, एकांक लंबाई की छड़ में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में परिवर्तन करने पर इसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसे रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कहते हैं। ये अल्फा का फॉर्मूला होता है, याद रहेगा सभी को, बहुत बढ़िया। साथ साथ डेफिनेशन भी आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगेंगी। फिलहाल हमारा मेन मोटिव यहाँ पर क्या है, फॉर्मूले रिवाइज करना। अब इस केस में थर्मल एक्सपेंशन के, इसमें थर्मल स्ट्रेस के केस में इलोंगेशन कितना आता है, इलोंगेशन आप सबको दिखाई, थर्मल इलोंगेशन लिख लीजिए,
थर्मल इलोंगेशन कितना, डेल्टा एल बराबर इन एल इंटू डेल्टा टी को इधर ले जाओ तो क्या जाएगा, एल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी, यही तो आएगा डेल्टा एल का फॉर्मूला। बोलिए क्लियर है, बोलिए क्लियर है, यस सर, ठीक है। थर्मल इलोंगेशन के बाद अगला फॉर्मूला क्या आएगा, आप स्ट्रेन लिख सकते हैं, थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन ई के साथ में आप टी एच लिख दीजिए, थर्मल टी एच या ओनली टी लिख सकते हैं। ई थर्मल कितना आएगा, डेल्टा एल अपॉन एल होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगर आप डेल्टा एल की वैल्यू पुट करेंगे, एल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी, नीचे एल था तो एल और एल कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, एल्फा इंटू डेल्टा टी, एल्फा इंटू डेल्टा टी, ये आपका थर्मल की वैल्यू आ गई, थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू। ठीक, अब थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस एस टी आर ई डबल एस, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस को सिग्मा टी एच से लिख दीजिए, थर्मल स्ट्रेस बराबर। थर्मल स्ट्रेस के लिए एक कंडीशन आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी बॉडी में थर्मल स्ट्रेस तभी होगा जब उसके दोनों सिरे फिक्स होंगे, दोनों सिरे फिक्स होंगे, ठीक है, इस तरह से फिक्स कर दिया आपने, रेस्ट्रिक्टेड कर दिए दोनों सिरे, इसके लंबाई एल है, इस तरह से। जब आप इसका टेम्परेचर टी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये बाहर को फैलने की कोशिश करेगा, और जब ये फैलने की कोशिश करेगा तो ये जो फिक्स सिरे है ना, इसमें अंदर की ओर एक फोर्स जनरेट कर देंगे ऐसे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। ठीक, अगर ये सिरा फिक्स नहीं होता, ताप बढ़ाते ये फैलने लग जाती बॉडी, और फैलने लग जाती तो इसमें कोई स्ट्रेस नहीं आता, जीरो रहता। दोनों सिरे फिक्स हों तभी स्ट्रेस की वैल्यू कुछ ना कुछ यहाँ पर एग्जिट करती है, अदरवाइज नहीं करेगी। सिग्मा थर्मल इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप सब ने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, हुक्स लॉ बड़ा काम आता है आपको हर जगह, सिग्मा बराबर कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, तो कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई थर्मल वाला, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई की वैल्यू क्या, एल्फा डेल्टा टी, एल्फा डेल्टा टी, ये थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। बोलिए क्लियर है सभी को, ये थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। यस, इतने ही फॉर्मूले थे आपके स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर में, काफ़ी सारे फॉर्मूले हो गए। अब बीम वाले चैप्टर की ओर मूव करेंगे हम, सीयर स्ट्रेस एंड बेंडिंग मूवमेंट वाले चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हटाते हैं इसको, अब इसको हटा दीजिए, और अब आप नए चैप्टर का नाम लिख करके फॉर्मूले नोट करेंगे। नए चैप्टर का नाम लिख लीजिए, हमारे फॉर्मूले के सीक्वेंस में सेकंड चैप्टर है, उसका नाम है सीयर स्ट्रेस एंड बेंडिंग मोमेंट, सीयर स्ट्रेस एंड बेंडिंग मोमेंट, कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण, इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर के अब जितने भी फॉर्मूले हैं ना, जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन में यूज होगा, सारा कंटेंट हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। सबसे पहली चीज़, बड़ी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को कि सर हमें कोई भी यूडीएल दे रखा है बीम पर, यूडीएल ये वाला स्मॉल डब्ल्यू है, ये किलो न्यूटन पर मीटर में या न्यूटन पर मीटर में दिया होता है, लंबाई है सपोज, तो हम कहते हैं कि बताइए इसका टोटल लोड कितना होगा। ये यूडीएल तो आपका पर मीटर लेंथ पर काम कर रहा है, मैं कहूँ टोटल, अगर मैं इसको पॉइंट लोड की फॉर्म में लिखूँ तो कितना होगा। ऐसे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये रहता है कि अगर कोई यूबीएल है, UBL जानते हैं ट्रायंगल की फॉर्म में, इधर से लगा लो या इधर से लगा लो, किधर से भी लगा लो, ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो आप, या फिर आप उस साइड से लगा लो, इधर से ट्रायंगल बना के, ठीक है, ये ट्रायंगल, ये क्या बन रहा है, UBL है, और ये भी इसकी इंटेंसिटी भी स्मॉल डब्ल्यू, ये भी किलो न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर मीटर में होता है, लंबाई L है, तो UDL और UBL के केस में टोटल लोड होता कितना है। टोटल लोड का फार्मूला किसी भी बीम में, टोटल लोड यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, टोटल लोड इन बीम में टोटल लोड कितना होगा, तो यहाँ पर बीम में टोटल लोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो याद रखिएगा आप लोग, टोटल लोड का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। अब कहेंगे सर कुछ हजम नहीं हुआ आपने क्या बताया,
अभी बताते हैं सब, ठीक है, अभी समझाते हैं, सब कुछ हजम होगा, समझ भी आएगा। ठीक, ये एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। अब ये जो यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल का लोडिंग डायग्राम कैसा बनता है, आप सबको हमने बताया था जब हम डिटेल्ड स्टडी करा रहे थे कि ये एक आयत के रूप में लगता है, इस तरह से एक आयत के रूप में अगर ऐसा कोई भी लोड आपको दिखाई दे, समझ लीजिएगा क्या है ये, ये यूडीएल है, यूडीएल, ठीक है। लंबाई इसकी कितनी बताई आपको, एल बताई। लोड की इंटेंसिटी कितनी है, स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ पर जो टोटल लोड आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ फॉर यूडीएल, फॉर यूडीएल, यूडीएल, फॉर यूडीएल के लिए बताइए टोटल लोड कितना हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू बराबर, टोटल लोड को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। ये रेक्टेंगल है तो लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई ना, तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, ये हो गया टोटल लोड, ठीक, यूडीएल के लिए। अब मैं कहूँ फॉर यूबीएल, फॉर यूबीएल, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, संवितरित भार और ये एक समान रूप से बदलता भार। इस केस में कैपिटल डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लोग बता सकते हैं, इसमें त्रिभुज बनता है, ठीक है। यूडीएल में तो आयत बनता है, ये दो तरह से दिखाते हैं, आयत की तरह से भी और स्प्रिंग की तरह से भी दिखा देते हैं इस तरह से, ठीक है। और जो यूबीएल होता है वो ट्रायंगल की फॉर्म में लगता है, इसका एक ही डायग्राम बनेगा ट्रायंगल वाला। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एक बट्टे दो आधार गुणा ऊंचाई, आधार एल है, ऊंचाई स्मॉल डब्ल्यू है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू बराबर स्मॉल डब्ल्यू एल बाई टू, इसमें स्मॉल डब्ल्यू आता है और इसमें स्मॉल डब्ल्यू एल बाई टू आता है। इतना समझ आ रहा है, ये हो गया आपका टोटल लोड का फॉर्मूला, बोलिए क्लियर है इतना, यस, ठीक है, यही है टोटल लोड का फॉर्मूला हो गया डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम किसकी ओर, इसमें आगे फॉर्मूले हमारे रिलेशन बिटवीन लोड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, लिख लेंगे यहाँ पर हेडिंग रिलेशन, रिलेशन बिटवीन लोड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। किस किस में रिलेशन बताना है, किसी भी बीम पर लोड लगा हुआ है उसमें शियर फोर्स उत्पन्न हो रहा है और बेंडिंग मूवमेंट है, तो इस केस में बताओ रिलेशन क्या होगा इन तीनों में आपस में, ठीक है। तो आपको कल ही बताया था ये शियर फोर्स के परिवर्तन की जो दर होती है वो अप्लाइड लोड के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, और दूसरा बताया था बेंडिंग मूवमेंट के परिवर्तन की दर जो होती है वो शियर फोर्स के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू यहाँ पर अप्लाइड लोड है, स्मॉल डब्ल्यू अप्लाइड लोड है, एफ क्या है शियर फोर्स है, एम क्या है बेंडिंग मूवमेंट है, तो शियर फोर्स के परिवर्तन की दर, चेंज इन रेट ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड लोड, चेंज इन रेट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स, क्लियर है सभी को ये। तो ये हो गया रिलेशन हमारा, इसके बाद मूवमेंट का फॉर्मूला भी थोड़ा सा देख लेंगे मूवमेंट के बारे में, इधर लिख देते हैं मूवमेंट इन बीम, बीम में मूवमेंट का फॉर्मूला, तो एम बराबर आपको पढ़ाया गया है, ये जो भी लोड है या फोर्स है, फोर्स लेंगे और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि यूज होगा इसका भी जब हम बीम में मूवमेंट लेते हैं ना, तो वहाँ पर मूवमेंट का फॉर्मूला याद रखना है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ये कोई बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक, इस तरह से ये बीम है, अगर इस पर यूडीएल लगा रखा है, यूडीएल ये वाला स्मॉल डब्ल्यू यूडीएल है, लंबाई एल है ये, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट जानना चाह रहे हैं कितना होगा, तो मूवमेंट बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा यूडीएल के केस में, टोटल लोड स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, पीछे दिखाया था आपको टोटल लोड, ये रहा टोटल लोड, यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल हो गया फोर्स की जगह पर, इंटू डिस्टेंस। तो ध्यान रखना जो आपकी यूडीएल होता है ना, यूडीएल हमेशा बीम के सेंटर पर कार्य करेगा, जितनी लंबाई तक लगा है उसकी आधी दूरी पर कार्य करता है, आधी दूरी का मतलब एल बाई टू पर ये काम करता है, इस तरह से डब्ल्यू इंटू एल टोटल लोड और दूरी इसमें कितनी लेते हैं एल बाई टू। ये किस केस में हो गया, फॉर यूडीएल, फॉर यूडीएल। पॉइंट लोड के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टोटल डब्ल्यू इंटू में लेंथ जितनी भी होगी एल वो ले लेंगे। ऐसे ही अगर मैं कहूँ यूबीएल के लिए, फॉर यूबीएल,
अब UBL के लिए आपको देखना पड़ेगा डायग्राम किस तरह का है। अगर डायग्राम इस तरह का है तो इसके लिए अलग बनेगा मोमेंट का फॉर्मूला, दूरी अलग हो जाती है इसमें। अगर डायग्राम इस तरह का है ऐसा, इस केस में अलग हो जाता है वैल्यू, ठीक है। फॉर्मूला UBL का देखो, m बराबर, अगर मैं पहले डायग्राम की बात करूँ, टोटल लोड तो आपको यही रहेगा स्मॉल w इंटू l बाई 2 इंटू में डिस्टेंस कितनी लेते हैं, तो ये ट्रेंगल है और ट्रेंगल का सेंटर कहाँ होता है, परपेंडिकुलर वाली साइड से l बाई 3 दूरी पर होता है इस पर। तो यहाँ से लेके और यहाँ पर अगर आप ए पॉइंट पर मूवमेंट ले रहे हैं, दूरी कितनी l बाई 3, तब तो आप l बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। एंड दूसरा, ये फर्स्ट केस में हो गया। सेकंड जो डायग्राम है, सेकंड वाला, उसके लिए देख लीजिए। अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ सेंटर, तो आपको ये तो बता ही दिया अभी कि सेंटर यहाँ परपेंडिकुलर से l बाई 3 डिस्टेंस पर होगा, l बाई 3 पर। टोटल ये l है, तो आप खुद समझदार हैं ये लेंथ कितनी बचेगी अगर इस पॉइंट पर ले रहे हैं मूवमेंट, तो 2l बाई 3। तो इस केस में m बराबर लोड तो यही रहेगा फोर्स स्मॉल डब्ल्यू l बाई 2, और डिस्टेंस यहाँ पर 2l बाई 3 आएगी। ये डिपेंड करता है डायग्राम किस तरह का बना है, ठीक है। सेकेंड केस हो गया UBL का, तो UDL के लिए, UBL के लिए, और पॉइंट लोड के लिए डायरेक्ट लोड की वैल्यू इंटू में डिस्टेंस, ठीक है। पॉइंट लोड के लिए m बराबर डायरेक्ट लोड की वैल्यू और जो भी लेंथ होगी वो, ये किसके लिए है, पॉइंट लोड, ठीक। उसमें किसी अदर, यानी टोटल लोड निकालने के लिए आप लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं करते, जैसे यहाँ w इंटू l कर रखा है उस तरह से, डायरेक्ट दूरी से गुणा करके मूवमेंट आ जाता है। तो ये हमारा मूवमेंट हो गया बीम में, इतना क्लियर, यस। ये भी हमारा फिनिश हो गया चैप्टर, यानी बीम, शियर स्ट्रेस और बेंडिंग मोमेंट में फॉर्मूले जितने यूज होंगे वो यही है, कुछ अलग फॉर्मूले नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ये वाली कोई नया फॉर्मूला नहीं था इसमें, ठीक है। SFD BMD बनाने को आता है, तो उसका नियम थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, SFD BMD बनाने का नियम क्या होता है, आपको नोट्स में दिखा रखा है, PDF भी है एप्लीकेशन पर, मैंने PDF टोटल वाला भी डाल दिया है, बाई पार्ट वाला भी चल रहा है PDF, तो आप जौन सा देखें उसमें देख सकते हैं। SFD एंड BMD बनाने के नियम, उन्हें पढ़िएगा अच्छे से, यहाँ टाइम वेस्ट होगा इसलिए PDF से पढ़ लीजिएगा, हमें टाइम बचाना है अपना, ताकि और जो भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे उन्हें भी वन बाई वन कवर करते चलें। मुश्किल से ये जो आपका सॉम है ना, 8 मार्च तक पूरा फिनिश करा देंगे, फिर अगले 4 दिन में कोई नया सब्जेक्ट चलेंगे लेके, फिर उसके अगले 4 दिन में एक और सब्जेक्ट, फिर अगले 4 दिन में एक और सब्जेक्ट, 26 तक आपके जितने सब्जेक्ट हैं थर्ड सेम के, कोशिश करेंगे सारे फिनिश करा दें, ठीक है। रिवीजन के तौर पर कम से कम इतना हो जाए कि कोई बच्चे का बैक ना लगे किसी सब्जेक्ट में। तो आपकी जो भी क्वेरीज हो ना, आपको एक अलग से, जैसे ये खत्म होने वाला होगा, आपको वीडियो बना के पूछ लेंगे कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, आपको जिसकी ज़्यादा नीड होगी पहले उसे शुरू कर लेंगे, फिर उसके बाद अगला, फिर अगला, ऐसे, ठीक है। जितना भी टाइम है सारा टाइम यूटिलाइज करेंगे, यूट्यूब पर ही रहेंगी अभी सारी क्लासेस, इसलिए मैंने पेड कोर्स भी रोक दिया अभी, ताकि बच्चों के एग्जाम अच्छे से हो जाए, फिर फुर्सत से आराम से पढ़ा देंगे। लेक्चर है मेरे पास बने हुए, आराम से आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल आपका पूरा फोकस एग्जाम पर होना चाहिए, ठीक है, ताकि अच्छा स्कोर कर पाएं आप। और RCC की बात है, RCC को लेकर बिल्कुल ना डरें, आपके गौरव सर का RCC फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको पूरा सिखा देंगे बहुत अच्छे से। अब इसको हटाते हैं और नया लिखेंगे, नया चैप्टर दो हो गए, तीसरा बेंडिंग स्ट्रेस है, जरा सा फॉर्मूला एक ही, बस बेंडिंग स्ट्रेस वाले में तो एक ही फॉर्मूला है, और जो बच्चे समझदार होंगे उनके माइंड में आ गया होगा कौन सा फॉर्मूला है। बेंडिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर में फॉर्मूले का नाम बोलिए, ये सीक्वेंस नंबर तीसरा है ना सीक्वेंस में, बेंडिंग स्ट्रेस, नमन प्रतिबल या बंकन प्रतिबल। नमन प्रतिबल में कौन सा आता है, सबसे मेन फॉर्मूला हमारा बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन, कौन सा है, बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन। बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन का फॉर्मूला सबको पता है, नहीं पता तो रट लीजिए, इससे तो एक न्यूमेरिकल फिक्स है, m अपॉन i बराबर सिग्मा अपॉन y बराबर e अपॉन r, ठीक है। अब इनके सभी टर्म बताएंगे, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में इसी को एक्सप्लेन करना, तो एक एक करके सभी टर्म को हम यहाँ समझेंगे, ठीक। सबसे पहले m से शुरुआत करते हैं, m यहाँ पर क्या होता है, m होता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, हिंदी में प्रतिरोध आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेक्निकल टर्म। अब देखिए, हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश वालों से भी ज़्यादा याद रहेंगे, सबको याद हो जाएंगे ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध आघूर्ण। और m की जो हम वैल्यू लेते हैं ना, वो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के बराबर ले लेते हैं। सोम जो हमारा सोम है ना, सोम में हम
मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध आघूर्ण की वैल्यू बेंडिंग मोमेंट के बराबर ही ले लेते हैं, ठीक है। आर सी सी माला की दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन किया जाएगा आपको, फिलहाल बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू के बराबर। तो एम की जो वैल्यूज होंगी वो डिपेंड करेंगी बीम पर, किस तरह की बीम है। जैसे ये कैसी बीम है, ये है सर कैंटिलीवर बीम, और हमने इसके मुक्त सिरे पर यहाँ पर एक डब्लू पॉइंट लोड लगा दिया, कैपिटल डब्लू। लंबाई इसकी एल है। तो इस केस में एम का फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंट निकालना बताया था आपको। इस केस में मोमेंट पॉइंट लोड है, टोटल लोड लेंगे इंटू में डिस्टेंस एल, डब्लू इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर ये बीम आपको पता है कौन सी है, कैंटिलीवर, क्या लगा दिया, यूडीएल, यूडीएल लगा दिया, यूडीएल स्मॉल डब्लू होता है, ये किलो न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर मीटर में होता है, लंबाई एल है। इसका मोमेंट क्या होगा सर, इसका मोमेंट मैक्सिमम मोमेंट इस सिरे पे आता है, ठीक है। एम बराबर टोटल लोड स्मॉल डब्लू इंटू एल होता है, डिस्टेंस यूडीएल में आधी लेते हैं एल बाई टू, एल बाई टू, तो कितना हो गया स्मॉल डब्लू एल स्क्वायर बाई टू। ये सब आपको याद होने चाहिए, बीम का नाम देगा तो आपको यहाँ से बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में जो एम की वैल्यू यूज करेंगे ना, ये वाले फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए सबको, ठीक। दूसरा, तीसरा फॉर्मूला बात करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम वाले फॉर्मूले देख लो। ये बीम कौन सी है, सिंपली सपोर्टेड बीम, इसके मिड पॉइंट पर यहाँ पर लगा दिया पॉइंट लोड डब्लू, मिड पॉइंट है ये, इधर भी एल वाई टू, इधर भी एल वाई टू, ठीक है। इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट पर आता है, इस पर सी पर, तो यहाँ पर एम बराबर कितना हो जाएगा सी पॉइंट पर, रिएक्शन देखो टोटल डब्लू है ये, आधा रिएक्शन इधर आता है डब्लू बाई टू, आधा रिएक्शन इधर आता है डब्लू बाई टू, सी पॉइंट पर ये पॉइंट ए बी सी, सी पॉइंट पर आता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो डब्लू बाई टू में सी तक की दूरी की गुणा करो, तो ये डब्लू बाई टू है, सी तक की दूरी एल वाई टू, मल्टीप्लाई किया कितना हो गया डब्लू एल वाई फोर, डब्लू एल वाई फोर पॉइंट लोड के केस में, ठीक। अगर किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल लगा हो, यूडीएल, यस दिस इज यूडीएल स्मॉल डब्ल्यू की फॉर्म में, किलो न्यूटन पर मीटर, बेंडिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर में ज़्यादातर यही केस देता है। दो कौन कौन से दो केस, या तो ये वाला देगा या ये वाला, इन दोनों को रट लीजिएगा अच्छे से, कभी कभी ये देता है। तो यहाँ पर एम बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये लंबाई एल है, तो फॉर्मूला यहाँ पर आप सबको याद रखना है, सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल लगा हो, स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट आता है। अब मैं इसको आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता, बिकॉज यहाँ पर क्या करना होता है, मैं यहाँ पर एक्स दूरी लेकर के तब निकालते हैं, थोड़ा लेंदी रहता है इसका डेरिवेशन टाइप से, तो आपको पढ़ाया था स्टैंडर्ड डेरिवेशन वाले में ये फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले डेराइव करके दिखाए थे ये, ठीक है। फिलहाल डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल लगा है, एल लंबाई है, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है। तो ये एम आ गया हमारे यहाँ पर, ठीक है, चारों के लिए। अब आ जाओ आई पर, आई इधर समझा देते हैं, आई आई फिर गई, आई का नाम होता है मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, हिंदी में जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, ठीक। अब मूवमेंट ऑफ इनर्सिया का फॉर्मूला डिपेंड करता है इस पर, अगर कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन, वैसे दो ही सेक्शन ज़्यादा देगा, मैं सारे सेक्शन के ना लिख रहा, दोनों के नाम साथ में लिख दे रहा हूँ आपको, ताकि दोनों फॉर्मूले बता सकें, आई का भी और बाई का भी। बाई का नाम क्या होता है, बाई जो होती है ना डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कहाँ से होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू आउटर लेयर, आउटर लेयर। जैसे हमने एक आपके सामने डायग्राम बनाया आयत का, ये कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो इस रेक्टेंगुलर सेक्शन में ये बना दी न्यूट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस, इसके सेंटर से होकर जो पास हो रही है, सपोज इसकी जो गहराई है वो स्मॉल डी है, स्मॉल डी, और जो चौड़ाई है वो बी है, बी, ठीक है। तो इस न्यूट्रल एक्सिस से और आउटर तक की जो दूरी है, आउटर लेयर तक की, इसको बाई बोलते हैं, बाई, ठीक। तो यहाँ पर आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर, हम हमेशा एक्स अक्ष वाला आई यूज करते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम पढ़ रहे, तो बीम में एक्स अक्ष वाला लेते हैं, कौन सा एक्स अक्ष वाला, आई एक्स एक्स, तो बी इंटू डी की पावर थ्री अपॉन में ट्वेल्व, ये रहता आई का फॉर्मूला। बाई आपको देखने से ही पता चल रहा है, डी का आधा है ये, डी का आधा, डी बाई टू,
ठीक है, ये रहता है। दूसरा हम एक सर्कुलर सेक्शन बना ले रहे हैं, सर्कुलर सेक्शन के लिए पूछ लेता है। ये सर्किल बना दिया हमने, सर्किल में यहाँ से ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस पास हो गई। सपोज इसका जो डायामीटर होता है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का डायामीटर ये कैपिटल डी होता है, तो 22 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल डी का आधा हो जाएगा। बोलिए समझ पा रहे हैं ना। पहले तो आई का फॉर्मूला, इसमें आई एक्स एक्स लिखो या वाई वाई, सब सेम ही रहता है इसका। और क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पाई डी की घात 4/64, ठीक है, ये हो गया। एंड वाई जो होगा इस डायमीटर का आधा, डी वाई टू। मेनली ये दो फॉर्मूले ज़्यादा यूज होंगे आपके आई निकालने में और वाई निकालने में। तो एम निकालना सीख गए हम इसके लिए, आई निकालना सीख गए वाई। सिग्मा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में देगा या फिर पूछ लेगा, तो ये तीनों निकालना आ गया। सिग्मा हम इजीली बता पाएंगे, ठीक है। तो इनके नाम नाम जस्ट हम लिख दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। सिग्मा यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस होता है, बेंडिंग स्ट्रेस। अब इस बेंडिंग स्ट्रेस का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको इधर ले जाते हैं, बाई को इधर ले जाएंगे, तो माई अपॉन बाई एम बाई अपॉन आई जो होता है, यही सिग्मा का फॉर्मूला हो जाता है बेंडिंग स्ट्रेस का। बाकी बाई हो गया ई, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। इसकी वैल्यू मोस्ट ऑफ द केस देता है, नहीं देता तो सिर्फ स्टील की याद कर लेना, कभी कभी स्टील की नहीं देता, 2×10^5 होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। खत्म। आर यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सब खत्म। एक और लास्ट फार्मूला बचता है हमारा, ये सब हो गए इसके बारे में डिटेल पूरी, सिर्फ एक लास्ट फार्मूला और बचता है, वो लास्ट फार्मूला है सेक्शन मॉडुलस, आकृति मापांक, ठीक है, आकृति मापांक, यस सेक्शन मॉडुलस ही कहते हैं इसे। आकृति मापांक इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं, ये आई और बाई का अनुपात होता है, किस किस का, आई और बाई का अनुपात। अब चूंकि हमने पीछे क्या देखा, सिग्मा बराबर हमारा एम अपॉन एम बाई अपॉन आई आ रहा था, अगर मैं इस आई को इधर नीचे ले जाऊंगा तो बाई को नीचे लाऊंगा तो आई अपॉन बाई जेड बन जाएगा, तो यहाँ से सिग्मा बराबर एम अपॉन जेड भी हो जाता है हमारा एक फॉर्मूला। जेड यहाँ पर हमारा सेक्शन मॉडुलस होता है। इतना बोलिए क्लियर है सभी को ये, यस यही है। इनके सबके नाम वगैरह आपको बताई दिए। तो बेंडिंग स्ट्रेस में सिर्फ यही फॉर्मूले थे बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर में, जो आपके न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेंगे। मैंने सारे फॉर्मूले कोशिश कर दी एक ही बार में सिंगल पेज पे लिख दिया, ठीक है, तो इन्हें भी आप लिख लीजिए। तीन चैप्टर हो गए हमारे फार्मूले वाले, ये वाले, इसके बाद चौथा रहेगा हमारा कॉलम एंड स्ट्रट वाला, ठीक है। कॉलम और स्ट्रट को समझते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए हटाते हैं अब इसको, और अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नए चैप्टर के फॉर्मूले कॉलम एंड स्ट्रट। आज ही हम सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 आ गया सीक्वेंस में, कॉलम एंड स्ट्रट्स, ठीक। तो कॉलम एंड स्ट्रट में सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला बहुत ज़्यादा कहता है बार बार इसके न्यूमेरिकल में, सेफ लोड निकालिए, सेफ लोड निकालिए। तो सेफ लोड का फॉर्मूला भी लिख लेंगे आप, सेफ लोड, सेफ लोड, सेफ लोड का सुरक्षित भार, सुरक्षित भार जब भी निकालने को कहेगा आपको एक वैल्यू दी जाएगी, और वो वैल्यू होगी किसकी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक देगा आपको, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जरूर दिया जाएगा क्वेश्चन में जब सेफ लोड पूछेगा तो, और नहीं दे रखा होगा तो बकलिंग लोड ही आपका सेफ लोड हो जाएगा फिर, ठीक। तो कॉलम वाले चैप्टर में हम बकलिंग लोड निकालते हैं पहले, बकलिंग लोड, बकलिंग लोड के फॉर्मूले भी आपको लिखवाए जाएंगे, जस्ट वेट करें। तो बकलिंग लोड को आप लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो आपको सेफ लोड की वैल्यू मिल जाएगी, ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। बकलिंग लोड में अगर आप सुरक्षा गुणांक से भाग कर देते हैं तो आपको सेफ लोड यहां से मिल जाता है, ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमारा यहां रहेगा इफेक्टिव लेंथ का,
इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, इसके दो नाम हैं, इफेक्टिव लेंथ और दूसरा नाम इक्विवेलेंट लेंथ, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट लेंथ, ठीक है। अब यहाँ टेक्निकल टर्म्स सिर्फ हम हिंदी में लिख रहे हैं, बट हम अपने मुंह से बोल देते हैं, मतलब इंग्लिश में लिख रहे हैं और हिंदी हम अपने मुंह से बोल देते हैं। हिंदी में आप लोग चाहें तो लिख लीजिए, बाकी टेक्निकल टर्म्स हो सके तो इंग्लिश में याद कीजिएगा। इसको प्रभावी लंबाई या फिर समतुल्य लंबाई कहते हैं, ठीक है, प्रभावी लंबाई या समतुल्य लंबाई, एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव। अब ये एल इफेक्टिव की वैल्यूज हम याद करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। पहली वैल्यू फर्स्ट, किस केस में, जब कॉलम के दोनों सिरे हिंज हो, फॉर बोथ एंड्स हिंज्ड, हिंज्ड, जब दोनों सिरे हिंज है, दोनों सिरे हिंज होने का मतलब ये कोई कॉलम है, इधर भी आपने पिन लगा रखी है, इसमें इधर भी पिन लगा रखी है, तो हिंज हो गए। जब इस पे ऐसे लोड लगेगा कोई भी, तो इस लोड के कारण इधर से रिएक्शन उत्पन्न होती है पी, जो लोड के बराबर होगी। तो ये लॉन्ग कॉलम है, तो ऐसे साइड में ऐसे इधर को घूम जाता है, जब साइड में घूम जाता है इसी को हम बकलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बकलिंग। तो ये जो बकलिंग का फॉर्मूला होता है ना, बकलिंग होने के बाद, बकलिंग होने के बाद जो लेंथ होती है, मतलब बकलिंग में जो इसकी लंबाई होती है, उसी लंबाई को हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। सपोज पहले कॉलम की लंबाई यहाँ पर ये थी L, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिख दीजिए स्मॉल L, ये थी। और बकलिंग के बाद लेंथ कितनी हो गई, तो जब दोनों सिरे हिंज होते हैं ना, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ भी, इफेक्टिव लेंथ भी एक्चुअल लेंथ के बराबर ही होती है। तो यहाँ पर जो L इफेक्टिव का फॉर्मूला आता है निकल के, वो आपका स्मॉल एल यानी एक्चुअल लेंथ के बराबर ही आता है जब दोनों सिरे हिंज हों, ठीक है। तो एक तो इफेक्टिव लेंथ की आपको साथ में परिभाषा भी पता चल गई कि किसी कॉलम पर लोड के कारण बकलिंग होती है, बकलिंग जितनी लंबाई तक बकलिंग हुई है उसी लंबाई को हम इसकी समतुल्य लंबाई कहते हैं, एल इफेक्टिव। जब दोनों सिरे हिंज होते हैं तो इस केस में लंबाई एक्चुअल लंबाई के बराबर आ जाती है। दूसरी कंडीशन, एक सिरा तो आपका फिक्स है, फॉर वन एंड फिक्स, फॉर वन एंड फिक्स्ड एंड अदर, वन एंड फिक्स एंड अदर, अदर कैसा हिंज है, अदर हिंज्ड, एक फिक्स है दूसरा हिंज है, मतलब ऐसे करके नीचे वाला सिरा ये फिक्स कर दिया और ऊपर ये हिंज कर दिया हिंज, और जब इस पे आपने कोई लोड लगाया इस तरह से, तो इस लोड के कारण यहाँ से तो रिएक्शन उत्पन्न होगी होगी, लेकिन यहाँ पर किस तरह से ये ऐसे बकलिंग आएगी इसमें, और लेकिन फिक्स सिरे से पहले ही थोड़ा थोड़ा ये सीधा रहेगा, इधर सिरा फिक्स था ना तो यहाँ सीधा रहेगा। तो इसकी जो लंबाई थी एक्चुअल वाली वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल एल है, और इफेक्टिव वाली ये वाली है, यहाँ से यहाँ तक ये इफेक्टिव वाली है। तो आप देख पा रहे हैं इस समय इसकी इफेक्टिव लेंथ कम है, कम है ना, कितनी कम है, तो देख लीजिए कितनी कम है, तो यहाँ लिख दीजिए एल इफेक्टिव, L लिख करके और यहाँ सफिक्स में इफेक्टिव, बराबर इस L को डिवाइड कर दीजिए रूट टू से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना है, ठीक है, L इफेक्टिव से कम है तो कम आ जाएगी। इसके बाद अगर दोनों सिरे फिक्स हो तो बोथ एंड फिक्स, या फॉरवर्ड में हटा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बोथ एंड फिक्स्ड, अगर दोनों सिरे फिक्स्ड हैं, दोनों सिरे फिक्स्ड यहाँ दिखा दीजिए, ये कॉलम है, इसके आपने दोनों सिरे कर दिए फिक्स, ठीक है, ये भी और ये भी, जब लोड आया कोई भी तो इधर से रिएक्शन उत्पन्न हो गई पी लोड के बराबर ही, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं ये जो कॉलम है यहाँ से यहाँ तक लंबा था, इधर भी फिक्स था इधर भी फिक्स, तो फिक्स सिरे से कुछ दूरी दोनों तरफ से छोड़ करके तब इसमें बकलिंग होगी, ठीक है, इस तरह से कुछ लंबाई दोनों तरफ से छोड़ करके, बोलिए क्लियर है इतना, ये तो टोटल तो इसकी एक्चुअल वाली लेंथ तो ये वाली है स्मॉल एल, इफेक्टिव वाली सिर्फ ये और ये एल इफेक्टिव है, एल इफेक्टिव। तो आप लोगों को यहाँ से क्या पता चल रहा है, जब एक सिरा फिक्स था और एक हिंज था तब तो यहाँ से यहाँ तक रूट टू से डिवाइड किया, अब दो बार रूट टू से नीचे डिवाइड होगा तो रूट टू इंटू रूट टू टू हो जाएगा ये, तो यहाँ से जो एल इफेक्टिव आ जाता है ना, एल इफेक्टिव बराबर स्मॉल एल अपॉन टू आता है, स्मॉल एल अपॉन टू, बोलिए समझ पा रहे हैं सभी, ये हो गया। चौथा जो केस है, चौथा केस भी लिख लीजिए, कौन सा, वन एंड तो फिक्स है, वन एंड फिक्स एंड अदर फ्री,
अदर फ्री, एक सिरा फिक्स है दूसरा फ्री है, स्वतंत्र है। जैसे ये बना दिया आपने बीम, एक तो ये फिक्स कर दिया, ऊपर वाला सिरा फ्री है। जब इस पर कोई भी लोड आप लगाएंगे ना, जब कोई भी लोड इसके ऊपर आएगा ऐसे सही से आप अपने से लगा लीजिएगा, तो इस लोड के कारण ये ना इधर को ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे आगे तक बढ़ जाता है और लंबाई इसकी जस्ट डबल हो जाती है। एल इफेक्टिव जो आता है वो एक्चुअल का दो गुना आता है, 2L आता है इस केस में। तो ये इफेक्टिव लेंथ के फॉर्मूले हो गए, बहुत यूज होंगे बिकॉज ऑयलर का जो फॉर्मूला होता है ना उसमें लेंथ की वैल्यू एल इफेक्टिव होती है फॉर्मूले में, बट क्वेश्चन में आपको ये एक्चुअल वाली लेंथ देता है। तो वहाँ पर एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो इनके अनुसार हम पुट करते हैं वहाँ पर। बोलिए समझ पा रहे हैं सभी, तो इनको हम एक बारी रफ कर करके आपको और ऑयलर के फॉर्मूले लिखवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे भी पहले लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन और सिलेंडरनेस रेशियो देख लीजिए, हटा दें इसे, चलिए इसे रफ करते हैं, इसे रफ कर देते हैं यहाँ से और आगे लिखेंगे हम, आगे लिखेंगे लीस्ट रेडियस ऑफ कॉलम, चैप्टर का नाम था ये, तो कोई बात नहीं। आगे लिखेंगे किसका फॉर्मूला, लीस्ट, लीस्ट मतलब न्यूनतम, लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, कुछ लोग गायरेशन भी पढ़ लेते हैं इसे, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या या न्यूनतम चक्रण त्रिज्या, ठीक है। तो न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या को हम के से प्रदर्शित करते हैं, के से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये कोई भी एक्सिस है, इसके अबाउट कोई बॉडी रोटेट कर रही है, घूम रही है चारों तरफ। मान लीजिए ये बॉडी थी जो घूम रही थी, इसके सेंटर से कितनी दूरी पर घूम रही है, ये के दूरी पर घूम रही है। तो हम सब ने पढ़ा है क्या, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है बराबर ए इन टू के स्क्वायर होता है, ए इन टू के स्क्वायर, समझ पा रहे हो। यहाँ से के की वैल्यू निकालो, ए को इधर ले गए तो आई अपॉन ए आएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, ठीक है। अब लीस्ट निकालना, मिनिमम कब आएगा, जब यहाँ पर हम आई की वैल्यू मिनिमम लेंगे। मिनिमम का मतलब आई दो होते हैं, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, उन दोनों में से जो कम आएगा उसको यहाँ पुट कीजिएगा, तो आपको यहाँ से लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन के बराबर अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन ए मिल जाएगा, क्लियर है इतना। इसके बाद सिलेंडरनेस रेशियो, सिलेंडरनेस रेशियो यानी तनुता अनुपात कहते हैं हिंदी में से, तनुता अनुपात, इसको हम लैम्डा से डिनोट कर दे रहे हैं। तो लैम्डा या फिर दूसरा नाम इसको शॉर्ट में SR बोलते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो। बराबर क्या होता है, पीछे आप सब ने एल इफेक्टिव पढ़ा था जस्ट अभी, एल इफेक्टिव अपॉन में आपने K पढ़ लिया, तो एल इफेक्टिव और K इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम सिलेंडरनेस रेशियो यानी तनुता अनुपात कहते हैं। बोलिए समझ पा रहे हैं इतना सभी, ये समझ आ गया। अब अपने ऑयलर के फॉर्मूले की ओर और रैंकाइन गॉर्डन के फॉर्मूले की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग ऑयलर फॉर्मूला, इंग्लिश में यूलर बोलते हैं, यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला, ठीक। यूलर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यूलर ने क्या बताया था, लॉन्ग कॉलम में जो बकलिंग होती है, लॉन्ग कॉलम फॉर लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम में जो बकलिंग होती है उसके बकलिंग लोड के लिए यूलर ने फॉर्मूला दिया था, उसको हम बकलिंग लोड, बकलिंग लोड यानी बहका भार, या फिर यूलर्स लोड कहते हैं, यूलर्स लोड, ठीक है। जब कोई लॉन्ग कॉलम है और उसमें बकलिंग हो जा रही है, लॉन्ग कॉलम है और ये बकल हो गया साइड में को, तो कितने लोड पर बकलिंग हो रहा है, जिस लोड पर इसमें बकलिंग होती है उस लोड को ही हम बकलिंग लोड कहते हैं, और ये जो बकलिंग लोड होता है इसको ही हम यूलर्स लोड PE भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला यूलर साहब ने दिया था, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में L स्क्वायर, और L कौन सा लेते हैं, इफेक्टिव वाला, L इफेक्टिव इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, यूलर्स का फॉर्मूला। पाई आप जानते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 3.14 वैल्यू होती है या 22/7। ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है यानी प्रत्यास्थ मापांक या फिर यंग प्रत्यास्थ मापांक। आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई यहाँ पर आपको मिनिमम वाला यूज करना है। एल इफेक्टिव समतुल्य लंबाई या प्रभावी लंबाई होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ आपका। इस ऑयलर के फॉर्मूले के बाद आएगा हमारा आगे बकलिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, बकलिंग स्ट्रेस इसी से निकाल लेते हैं, हालांकि हम बकलिंग स्ट्रेस हटा देंगे। अब अगर आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल जा रहे हैं बकलिंग स्ट्रेस का, तो मैं आपको एक बार निकाल कर दिखा देता हूँ, छोटा सा डेरिवेशन है,
बकलिंग स्ट्रेस, बहकाव प्रतिबल। ठीक, बकलिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहली चीज़ आप इस फॉर्मूले को लेकर चलिए, यहाँ से पी मतलब फोर्स है, यहाँ पी पाई स्क्वायर ई आई है, आई की जगह हम ए इंटू के स्क्वायर लिख देंगे, हमने पढ़ाया अभी, अपॉन में एल इफेक्टिव का स्क्वायर, एल इफेक्टिव का स्क्वायर। और हमने पीछे पढ़ा था स्लेंडरनेस रेशियो, अगर मैं इस के स्क्वायर को यहाँ लाऊंगा तो इसके नीचे आएगा, ये बोलिए नीचे आएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये पी ई बराबर पाई स्क्वायर ई इंटू ए अपॉन में एल इफेक्टिव अपॉन ये क्या के इसका होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी, इसको नीचे ले आया मैं इसके अपॉन में, ठीक है, इसे इस तरह से। इसको हम लैम्डा बोलते हैं बेटा, लैम्डा, तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, ये पाई स्क्वायर ई ए अपॉन में लैम्डा का स्क्वायर, लैम्डा मतलब स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक, ये मिल गया। अब हमें ये तो हो गया फोर्स, हमें निकालना है ये तो बकलिंग फोर्स है, बकलिंग लोड कह दो या बकलिंग फोर्स कह दो, बकलिंग फोर्स या लोड, ठीक। हमें बकलिंग स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस, बकलिंग स्ट्रेस, तो स्ट्रेस मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, सिग्मा कौन सा, बकलिंग वाला, सिग्मा बकलिंग, तो बकलिंग लोड अपॉन एरिया, तो बकलिंग लोड की वैल्यू क्या है, पाई स्क्वायर ई ए अपॉन लैम्डा स्क्वायर अपॉन एरिया, ए हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर नीचे आएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू, पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये जो वैल्यू आती है इसी को हम बकलिंग स्ट्रेस कहते हैं। मैंने छोटा सा डेरिवेशन टाइप से भी आपको करके दिखा दिया, पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर बिल्कुल राइट है, हटा दें इसको। अब रैंकाइन गॉर्डन का फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए, चलिए अभी लास्ट फॉर्मूला है हमारा इस चैप्टर का, रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, रैंकाइन गॉर्डन फॉर्मूला। रैंकाइन गॉर्डन साहब ने क्या बताया था कि कोई भी मीडियम कॉलम है जो बकलिंग और क्रशिंग दोनों में फेल हो जा रहा है, हम उसके लिए लोड बताएंगे, और इन्होंने लोड का जो डेरिवेशन किया था ना, इन्होंने अपने आप से रैंकाइन लोड निकाल दिया था। मीडियम कॉलम जिस लोड पर फेल होते हैं वो रैंकाइंस लोड होता है, ठीक है, रैंकाइंस लोड, या इसी को हम बकलिंग और क्रिपलिंग लोड कहते हैं फॉर रैंकाइन फार्मूला। तो डायरेक्ट आप रैंकाइन फार्मूला लिखिए, इन्होंने जो डेरिवेशन किया था 1/PR बराबर 1/PE यानी ऑयलर की सहायता से, और एक क्रशिंग लोड लिया डायरेक्ट क्रशिंग लोड वाला, ये इन दोनों की सहायता से इन्होंने डेराइव किया था, और डेरिवेशन होने के बाद जो PR निकल के आया था, मेन PR, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिग्मा सी इंटू ए, ये आपका डायरेक्ट स्ट्रेस है या कंप्रेसिव स्ट्रेस कह दीजिए, सिग्मा सी इंटू ये ए है एरिया अपॉन में 1 + a इंटू में लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ एक स्मॉल a आ गया आपकी नई चीज़, ये मेन फार्मूला है, इसको आपको याद करना है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर जो स्मॉल a होता है इसको रैंकाइन कांस्टेंट कहते हैं, रैंकाइन कांस्टेंट, इसको अक्सर भूल जाते हैं, प्लीज़ करके इसके बारे में थोड़ा याद कर लेना फार्मूला अच्छे से आप, हम खुद भी भूल जाते हैं कई बार। तो सिग्मा c अपॉन पाई स्क्वायर e होता है, क्या होता है, सिग्मा c अपॉन पाई स्क्वायर e, ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग प्लीज़ याद कर लेना अच्छे से, ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं इसे, कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन पाई स्क्वायर ई, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं पाई स्क्वायर ई यहाँ ऊपर था अपॉन लैम्डा स्क्वायर था, ये तो क्या था आपका, बकलिंग स्ट्रेस था, पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पाई स्क्वायर ई तो नीचे आएगा, ऊपर सिग्मा सी रहता है, ठीक है, सिग्मा सी कंप्रेसिव स्ट्रेस या क्रशिंग स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस, रैंकाइन कांस्टेंट ये हो गया। बोलिए समझ गए सभी, तो कॉलम वाले चैप्टर के भी आपके सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो गए जितने फॉर्मूले इसमें थे। तो हमारे फॉर्मूले वाले चार चैप्टर मेन कवर हो चुके हैं, अब इसके बाद हमारा पांचवा चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है, इसको हटा दें, चलिए इसको हटा देते हैं, चलिए इसी तरह से समझते चलिए, जल्दी ही कवर कर लेंगे हम पूरा पोर्शन, ठीक है। अब पांचवा चैप्टर चलेगा हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में कौन कौन से फॉर्मूले हैं इसको समझते हैं, लिख लीजिए पांचवें चैप्टर का नाम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन।
यानी कि ढलान तथा विक्षेप। स्लोप मतलब ढलान या फिर प्रवणता भी कहते हैं इसको, डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेप या विस्थापन। अब इसके हमने दो मेथड पढ़े थे डिटेल जब स्टडी की थी। पहला था मूवमेंट एरिया मेथड। तो पहले मूवमेंट एरिया मेथड के फॉर्मूले देख लो। मूवमेंट एरिया मेथड, और इसी को आपको अच्छे से समझ लेना, बिकॉज इसी पर डेरिवेशन आएंगे ना आपके, तो इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे, ये आसान पड़ता है बहुत। मूवमेंट एरिया मेथड, अब मूवमेंट एरिया मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्लोप का फॉर्मूला अलग होता है इसका, डिफ्लेक्शन का अलग। पहले स्लोप का लिख लेते हैं। स्लोप थीटा होता है हमारा। तो हमने क्या बताया था, किसी भी बीम के दो पॉइंट के बीच में स्लोप का जो डिफरेंस होता है, थीटा का डिफरेंस, जैसे थीटा बी माइनस थीटा ए कह दिया, दो पॉइंट के बीच में स्लोप का डिफरेंस ये बराबर होता है ए अपॉन ई आई के। ठीक है, ये हमने जब डेरिवेशन देखा था कल, वहाँ भी स्टडी की थी इसके बारे में। ठीक, ये वाला स्लोप। एंड बात करें डिफ्लेक्शन की, तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है, डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेप या विस्थापन। यहाँ पर बाई लेते हैं, तो दो पॉइंट के बीच में डिफ्लेक्शन का डिफरेंस बाई बी माइनस बाई ए बराबर होता है ए एक्स बार अपॉन ई आई। ये दो फॉर्मूले हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन के मूवमेंट एरिया मेथड में। अब इनके टर्म को ध्यान से समझना आप, ठीक है। इनमें से दो पॉइंट कौन कौन से होते हैं? एक तो ऐसा पॉइंट होता है जिस पर स्लोप की वैल्यू जीरो होती है, दूसरा पॉइंट वो होता है जिस पर स्लोप हमें निकालना होता है। उन दो पॉइंट के बीच में ही हम क्या लेंगे, स्लोप का डिफरेंस लेते हैं। सेम ऐसे इधर डिफ्लेक्शन के दो पॉइंट है ये, तो एक तो ऐसा पॉइंट होगा जिस पर डिफ्लेक्शन जीरो होगा, दूसरा पॉइंट ऐसा होगा जिस पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। जीरो वाले को यहाँ पर लिखते हैं और मैक्सिमम वाले को पहले लिखते हैं, जिससे मैक्सिमम वाली वैल्यू हमें मिल जाए। ठीक है, अब ये ए क्या होता है यहाँ पर, ए ए होता है एरिया। किसका एरिया? बी एम डी का एरिया, एरिया ऑफ बी एम डी, क्लियर। इसके बाद ई क्या होता है, ई ई यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, आप लोग सब जानते हैं अच्छे से, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई मूवमेंट ऑफ इनर्सिया होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्सिया। अगर ई और आई दोनों एक साथ पूछ ले तो ई और आई को हम क्या कहते हैं, रिजिडिटी कहते हैं इसको, रिजिडिटी। ठीक है, फ्लेक्जरल रिजिडिटी, फ्लेक्जरल रिजिडिटी, नमन दृढ़ता, नमन दृढ़ता हिंदी में बोलेंगे। ठीक, अब इधर एक्स बार और दे रखा है यहाँ पर, एक्स बार ये क्या होता है, एक्स बार, एक्स बार का नाम भी इधर ही लिख दे रहे हैं। ये जो एक्स बार होता है ना, बी एम डी के सेंट्रॉइड, यहाँ पर जैसे एरिया हमने बी एम डी का लिया है, जो भी बीम होगी उसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे, और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का जो एरिया होगा उसको ए बोलेंगे, और उसी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के सेंटर से लेके और जो हमारा जहाँ पर नॉन जीरो स्लोप होगा ना वहाँ तक की जो दूरी होगी, ठीक है, लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, यहाँ क्या लिख देंगे, डिस्टेंस। ये हमारी डिस्टेंस होती है, कहाँ कहाँ के बीच की डिस्टेंस होती है ये आप लिख के दिखा सकते हैं इस चीज़ को, इसे बोलते हैं हम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू सेंटर ऑफ बी एम डी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू सेंटर ऑफ बी एम डी, सेंटर ऑफ बी एम डी। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे ये कोई बीम है, सपोज मान लो कैंटिलीवर बीम थी ये, और यहाँ पर कोई भी पॉइंट लोड डब्ल्यू लगा हुआ था, आपने बनाया इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आप सब जानते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है इसका, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे ट्रायंगल बनता है इस तरह से, ठीक है। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आती है इस जगह पर डब्ल्यू इंटू एल आती है, अगर लंबाई एल है इसकी तो, ठीक। तो यहाँ पर इसका सेंटर होगा यहाँ कहीं, इस सेंटर से लेके जब हम इसमें ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाते हैं ना बीम में यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट मिलता है बी वाला पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट हमारा बी नॉन जीरो स्लोप वाला पॉइंट होता है। इस बी पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू जीरो नहीं होती, ये आप सबको बताया था, या थीटा बी होता है, यहाँ पर जो थीटा ए होता है वो जीरो रहता है, बाई ए भी जीरो होता है, ये सब आपको सिखा रखा है, ठीक है। तो ये जो नॉन जीरो वाला पॉइंट है इसी को हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, नॉन जीरो वाले, नॉन जीरो स्लोप वाले पॉइंट को ही ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। तो इस ओरिजिन पॉइंट से लेके और इसके बी एम डी के सेंटर तक की जो दूरी है ना ये वाली, इसको हम एक्स बार बोलते हैं, ठीक है। फिर भी अगर इसका नाम आपको याद नहीं रह पाता कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूज़ याद रखना आप। ये जो बी एम डी बनते हैं ना आपके, किस किस शेप के बन सकते हैं बी एम डी, इसको थोड़ा देख लीजिए, तीन ही शेप में बनेंगे ये,
या तो ट्रेंगल्स की शेप में बनेगा, या साइन कर्व्ड पैराबोला, या हॉगिंग पैराबोला। तीनों के शेप में आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ ट्रेंगल बन रहा था इसी तरह से। देखिए तीन अलग अलग शेप के बनेंगे डायग्राम, ये किस किस शेप के बन सकते हैं। पहला डायग्राम ये ट्रेंगल बन सकता है कोई, जैसा अभी बना था। तो ट्रेंगल में जो बेस होगा और हाइट होगी, इनकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, बीएमडी में कितनी कितनी होती है ये आपको सब पता होगा। डेरिवेशन में हेल्प करेगा ये, मैं आपको बता रहा हूँ डेरिवेशन के लिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये भी ये फॉर्मूले आपके हेल्प कर जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अब यहाँ पर अगर आपको दो वैल्यू की बात करें, एक तो आपके यहाँ सेंटर से लेके इधर को एक्स बार हो गया ये, एक एरिया। तो यहाँ पर एरिया क्या होता है इसका, त्रिभुज है, एक बट्टे दो आधार इंटू ऊंचाई, ठीक, ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। इसका एक्स बार क्या होता है, इस साइड से बी बाई थ्री, इस साइड से टू बी बाई थ्री, या टू बाई थ्री बी कह दीजिए, पहला हो गया। दूसरा डायग्राम कैसा बन सकता है, दूसरा डायग्राम साइन कर्व्ड पैराबोला। कैंटिलीवर बीम में जो पैराबोला बनता है ना, उसे हम कहते हैं साइन कर्व्ड पैराबोला, साइन कर्व्ड पैराबोला, ठीक है, ये वाला। तो साइन कर्व्ड पैराबोला का एरिया क्या होता है, यहाँ वन अपॉन टू लिया, या वन अपॉन थ्री बी इंटू एच ले लेते हैं, ये वाला। एक्स बार की जो वैल्यू होती है इसमें साइन कर्व्ड पैराबोला में, इसके सेंटर से और ये वाली दूरी एक्स बार होती है यहाँ तक की, बोलिए इतना समझ पा रहे हैं। तो इसके एक्स बार की जो वैल्यू होती है थ्री बाई फोर बी, कितना, थ्री बाई फोर बी होता है। एक और डायग्राम बनता है बी एम डी का, एक डायग्राम हॉगिंग पैराबोला बनता है, ठीक है, इस तरह से। इसको हॉगिंग पैराबोला कहते हैं, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है। क्या नाम है इसका, हॉगिंग पैराबोला। तो ये जो हॉगिंग पैराबोला है ना, इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये एक्स बार होता है, ठीक। अब इसका एरिया कितना होगा, ये वन बाई थ्री हो गया, ये वन बाई टू हो गया, वन बाई थ्री हो गया, और हॉगिंग पैराबोला में टू बाई थ्री आता है। एरिया कितना आएगा इसका, टू बाई थ्री बी इंटू एच, ठीक। एक्स बार जो आता है इसका फाइव बाई एट आता है, फाइव बाई एट बी। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप कोई बीम लेंगे, जहाँ पर भी ट्रेंगुलर शेप का बीएमडी बनेगा, उसमें एरिया की वैल्यू एक बट्टे दो बी, मतलब ये वाली जितनी वैल्यू होगी उसे रखना, एच मतलब ये वैल्यू जितनी होगी उसे रखना, एरिया मिल जाएगा। एरिया यहाँ रखेंगे, स्लोप आपका निकल के आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही आप एरिया की वैल्यू तो आपको बता दी, सेम एक्स बार निकालेंगे, टू बाई थ्री बी मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी, इसको यहाँ रखे, यहाँ एल हो सकता है, एल बाई टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेस की जगह पर। ये बी एम डी के डायग्राम बनने के बाद आपको क्लियर होता है, डेरिवेशन में ये पार्ट समझाया था आपको, ठीक है। तो ए और एक्स बार दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ई आई की फॉर्म में ही फॉर्मूला निकल के आता है, रखने पर वैल्यू आपको आराम से फॉर्मूला मिल जाएगा। साइन कर्व्ड पैराबोला के केस में ये फॉर्मूला लगाने हैं ए और एक्स बार के, हॉगिंग पैराबोला बनेगा तो ये वाले लगाने हैं। जब पॉइंट लोड आएगा कैंटिलीवर बीम पर, तब तो ये वाला डायग्राम बनेगा बी एम डी का। जब यू डी एल आएगा कैंटिलीवर पर, तो ये डायग्राम बनता है। और जब आपका सिंपल सपोर्टेड बीम होती है, उसमें यूडीएल आता है तो ये बनता है, पॉइंट लोड आता है तो ट्रायंगल ही बनता है वहाँ पर भी, ठीक है। आप लोगों ने ये देखा होगा डेरिवेशन वाले पार्ट में, तो प्लीज़ करके आप इनको याद कर लीजिए। मूवमेंट एरिया मेथड में दो तो फॉर्मूले ये वाले यूज होते हैं, ठीक है, और तीन फॉर्मूले ये हैं आपके शेप के हिसाब से, बीएमडी के शेप हैं ये सब, यही शेप बनेंगे आपके बीएमडी के। या मैंने सबकी टर्मोलॉजी आपको समझा दी, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब ये सब वैल्यूज पुट करने के बाद कैसे कैसे वैल्यू निकल के आती है उनको हम लिख लेते हैं, हटा दें। आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, समझते चलिए, बहरहाल आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तब यहाँ पर क्या है, एक एक करके सभी केस पढ़ेंगे। पहला, अगर बीम कैंटिलीवर है इस तरह से, ठीक है, इसके मुक्त सिरे पर यहाँ पर पॉइंट लोड डब्ल्यू लगा हुआ, लंबाई इसकी एल है इस तरह से, ठीक, एल ये वाली। अब आपसे पूछा गया, आप इसमें मैक्सिमम स्लोप पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू बताओ। एक में निकाल के दिखा देता हूँ, फिर डायरेक्ट वैल्यू लिखते चलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक, ऐसे नीचे को जो बी में, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होती है यहाँ पर। तो इसमें ये जो कर्व बन रहा है ना, कर्व, ये जितनी दूरी तक डिफ्लेक्ट हुआ ये वाला, ये इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है। यह आप सब लोग जानते हैं, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वाई। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अब इसको बाई बी बोल सकते हैं, और बाई ए की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। यहाँ पर एक स्लोप खींचने के लिए टेंजेंट खींचते हैं, स्पर्श रेखा, ये बीम के साथ, बीम हॉरिजॉन्टल है, मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, इसके साथ जो एंगल बनाता है वो स्लोप होता है, यहाँ थीटा बी है ये, जबकि यहाँ पर थीटा ए की वैल्यू जीरो होती है। ये आपको बाउंड्री कंडीशन समझा रखी है,
जब आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो देखो थीटा ए तो जीरो था, ये तो जीरो हो जाएगा। थीटा बी ही मैक्सिमम है, तो हम यहाँ बोल देंगे मैक्सिमम स्लोप। क्या कह देंगे? मैक्सिमम स्लोप जो निकल के आएगा, जिसे हम थीटा मैक्स भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट, वो बी पॉइंट पर आएगा मैक्सिमम स्लोप। ये वाला थीटा बी कितना आएगा? ये एरिया की वैल्यू। अब इसका बीएमडी बनाएंगे, बीएमडी का एरिया रखेंगे। अगर आपको डेरिवेशन कंप्लीट करना हो तो आप नीचे इसका बीएमडी बना के देखिएगा, ठीक है। एक दिखा दे रहे हैं हम, जैसे इसका बीएमडी अगर हम बनाने बैठे हैं तो इस तरह से बनेगा ट्रायंगल की शेप में, ठीक है। अब तक तो आपको ये सब याद हो गए होंगे। ये वाले लंबाई एल है इसकी, ये वाली ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक डब्ल्यू इंटू एल आता है। कितना? डब्ल्यू एल आता है, क्योंकि मूवमेंट ले रहा है, डब्ल्यू इंटू एल लंबाई, डब्ल्यू एल हो गया ये वाला। अब इस केस में आपको एरिया बताइए क्या आएगा इसका। आपको बताया ये त्रिभुज बन रहा है, एरिया वन बाई टू रहता है, बी रहता है, बी मतलब ये कितना एल है इंटू में एच रहता है, एच मतलब कितना डब्ल्यू इंटू एल है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू आएगा। आ रहा है ना? आ रहा। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हैं? थीटा की वैल्यू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू आया है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू, और पीछे ई आई, ये वाला ई आई। तो ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा मैक्सिमम स्लोप का। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। इसी तरह से सारी वैल्यूज निकालेंगे आप। अगर यही वाला डायग्राम सपोज ऐसे बनता है, ऐसे साइन कर्व्ड पैराबोला, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आती डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू जो भी आती, उसके हिसाब से बी की वैल्यू एच की वैल्यू इन फॉर्मूलाज में रख करके हम ए एक्स बार सब निकाल देते इस डायग्राम के लिए। ऐसा डायग्राम बनेगा तो उसका एरिया और एक्स बार का फॉर्मूला लगाएंगे आप, ठीक है। ये चीज़ समझ पा रहे? तो ये फॉर्मूले जो यहाँ लिखे हुए हैं डेरिवेशन में आपको हेल्प करेंगे, स्टैंडर्ड डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। अब मैं ये हटा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट स्लोप और डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले आप सबके सामने लिख के दिखा देता हूँ एक बार, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर होती रहे, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, स्लोप का हो गया, डिफ्लेक्शन का देख लीजिए। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आएगा वो बी पॉइंट पर आएगा, मतलब बाई बी। बाई बी का फॉर्मूला आता है डब्ल्यू एल की, यहाँ टू था पावर, इसमें थ्री आएगी, टू था यहाँ टू आया, तो यहाँ थ्री है, तो यहाँ भी थ्री आएगा। इस तरह से याद कर सकते हैं आप एज ए ट्रिक। जब कैंटिलीवर बीम के क्या हो रहा हो, मुक्त सिरे पर डब्ल्यू पॉइंट लोड लगा हो, तो थीटा मैक्स डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू ई आई, और डिफ्लेक्शन मैक्स की वैल्यू बाई बी, डब्ल्यू एल की वैल्यू थ्री अपॉन थ्री ई आई, ठीक है। अब इसी तरह का एक और इसका बी पार्ट लिखते हैं, पॉइंट लोड वाला ही। ये कोई बीम है, अब इस बार यहाँ लगा दिया पॉइंट लोड डब्ल्यू, यहाँ लगा दिया। इस साइड से दूरी कितनी है? ये इस साइड से ए है दूरी, ये वाली ए, ठीक। और टोटल जो थी वो एल है, टोटल एल है, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम स्लोप में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको डेराइव करके नहीं दिखा रहा, ये सब आपको डिटेल में कराया गया था, उम्मीद है आप सबको पता होगा। तो जब यहाँ पर हम निकालते हैं तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होता है, यहाँ तक तो कर्व बनता है, यहाँ तक तो कर्व बनता है ये ऐसे करके, यहाँ के बाद से सीधी स्ट्रेट लाइन रहती है आगे को, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू इस पॉइंट पर, जैसे ए पॉइंट ये है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट पे पॉइंट है, तो थीटा सी की वैल्यू और थीटा बी की वैल्यू दोनों सेम आती है, ये आप सबको पढ़ाया गया था, ठीक है। सेम आती है बिल्कुल वैल्यू, कितनी कितनी आती है वैल्यू, तो ये भी आपको बता दे रहे हैं। पीछे जो पॉइंट लोड वाली वैल्यू लिखी है ना आपके सामने, ये वाली सेम, यही नोट कर दो, बस एल की जगह स्मॉल ए रख देना, यहाँ तक की जो वैल्यू थी ये वाली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? डब्ल्यू ए की पावर टू अपॉन टू ई आई, ये फॉर्मूला मैक्सिमम स्लोप का होता है, बी और सी पर दोनों पर सेम आता है, ठीक। इसके बाद मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करें, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आएगा ना वो बी पॉइंट पर आएगा, बाई बी, ठीक। बाई बी जब आपको निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ के लिख दो, इन दोनों को जोड़ के पहले बाई वाली वैल्यू लिखो, डब्ल्यू एल है ना, यहाँ एल की जगह बस ए कर देना है आपको, डब्ल्यू ए की पावर थ्री अपॉन थ्री ई आई, प्लस में इसे भी लिख दो ए करके बस, डब्ल्यू ए की पावर टू अपॉन टू ई आई। इतना करने के बाद इसमें समझ गए ना क्या करना है, इसको इसको दोनों को जोड़ देना है, यही फॉर्मूले आते हैं निकल। मैं डायरेक्ट आपको तरीके से याद करा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ डेरिवेशन करके देखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इंटू में क्या करेंगे, ये कर लिया ना, बस इसको ए कर देना, दोनों को जोड़ देना है। अब जो आपका ये थीटा वाली वैल्यू थी ना, इसके साथ में एल माइनस एक से गुणा कर देना है, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये वैल्यू दोनों को जोड़ना है, और इस वाली वैल्यू के साथ एल माइनस ए से गुणा कर देना है, और ध्यान ये रखना है ये दोनों ए होने चाहिए इसमें फॉर्मूले में। इसका फॉर्मूला भी हो गया हमारा, ये क्लियर हुआ, हटाएं इसको। चलिए नोट कीजिए, साथ साथ नोट करते रहिए, इसको हटाते हैं। दो केस हो गए, अगले केस देखिए।
कैंटिलीवर का ही तीसरे केस का फॉर्मूला देखिए, बस इसी तरह तरीके से याद करते चलना, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। आ गई दिक्कत, विजिबल है, चलिए दिख जा रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ना, कर लेंगे मैंने जितना तो दिख रहा है। चलिए तो क्या बता रहे थे, दो केस हो गए थे, तीसरा केस समझ लो, तीसरा केस ब्लैक से ज़्यादा सही दिखेगा। तीसरा जो केस आएगा हमारा ए बी सी कर दीजिए, कैंटिलीवर बीम है, बीम कैंटिलीवर ही है, इस बार इसकी टोटल लंबाई पर यूडीएल लगा है, इसकी इंटेंसिटी स्मॉल डब्ल्यू होती है, ठीक है, लंबाई एल है। तो इस केस में मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो मैक्सिमम स्लोप जो आएगा थीटा, बी पॉइंट पर ही आता है मैक्सिमम, ये ए है ये बी है, या तो थीटा बी लिख दो या डायरेक्ट थीटा मैक्स लिख दो, ठीक है। क्वेश्चंस में यूज होंगे फॉर्मूले, डब्ल्यू डब्ल्यू है, यहाँ पर डब्ल्यू लिखी है स्मॉल डब्ल्यू, पीछे आपने इसमें एल की पावर टू लगाए थे, यहाँ थ्री लगाएंगे, अपॉन में यहाँ टू था पावर तो यहाँ टू लाए थे, यहाँ डबल करके ले आइए, सिक्स ई आई, सिक्स ई आई, ठीक है, क्लियर हुआ ये। यूडीएल वाले में एल पे पावर थ्री आता है थीटा निकालते समय, और वाई निकालते समय मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालेंगे जिसे वाई मैक्स कहते हैं, जो बी पॉइंट पर आएगा यहाँ पर, इसमें क्या करेंगे पावर फोर कर देंगे, डब्ल्यू एल की पावर फोर अपॉन एट, डबल, यहाँ तीन का दोगुना छः, चार का दोगुना आठ, ई आई याद रहेगा ना। पॉइंट रूट वाले केस में हमने क्या किया था, हमने कैपिटल डब्ल्यू लिखा था, एल की पावर दो अपॉन टू ई आई लिखा था, और यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू एल की पावर थ्री अपॉन थ्री ई आई लिखा था। ये पॉइंट लोड वाली कंडीशन थी, पॉइंट लोड में दो पावर आती है, यहाँ दो लेते हैं, थ्री पावर यहाँ थ्री लेते हैं, इसमें एक एक पावर बढ़ जाती है और जस्ट डबल हो जाता है, एल की पावर थ्री यहाँ सिक्स, एल की पावर फोर यहाँ एट, इस तरह से आपको उम्मीद है ये दोनों समझ आ गए होंगे। अब अगर आपसे कह देता कि यहाँ पर यूडीएल टोटल लंबाई तक ना लग करके कुछ कम लंबाई तक लगा हुआ है, जैसे ये बीम है, मान लिया यहाँ तक लगा दिया, यहाँ तक ए लंबाई तक लगा दिया यूडीएल स्मॉल डब्ल्यू, एंड टोटल लंबाई इसकी एल है ये वाली, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम स्लोप बताइए, मैक्सिमम स्लोप तो आपको पीछे क्या बताया था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, तो बी और सी पर दोनों पर सेम आएगा थीटा, इस केस में बी और सी पर सेम आता है ये वाला ही, बस एल की जगह ए कर देना है, स्मॉल डब्ल्यू ए की पावर थ्री अपॉन में सिक्स ई आई, ए मतलब ये वाली लेंथ, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की सिक्स ई आई, बोलिए समझ पा रहे हैं इतना। ये मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू आ गई इस केस में, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए क्या बताया था जस्ट अभी, जो बताया था सेम वही आपको फॉलो करना है। यहां पर बी पॉइंट पर होता है मैक्सिमम, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये कितना है स्मॉल डब्ल्यू, यूडीएल है ना, स्मॉल डब्ल्यू इंटू में ए की, एल की जगह बस ए रखना है, ए की पावर फोर अपॉन एट ई आई, प्लस में फिर ये भी लिख लीजिए स्मॉल डब्ल्यू ए की पावर फोर अपॉन में सिक्स ई आई, बस एल की जगह ए कर देना, लास्ट में क्या बताया था इसमें से एल माइनस ए कर देना लास्ट में, ये भी याद हो गया। ये सारी वैल्यूज स्मॉल डब्ल्यू ए एल ये सब दिया जाएगा कि उस समय फॉर्मूला अप्लाई करना, स्लोप डिफ्लेक्शन निकालते जाना है धार धार धार, ठीक है, एकदम से आंसर आएंगे, हो गया। चलिए ये चौथा केस था, ये चौथा डी कैंटिलीवर के, सिर्फ चार ही केस आपको याद रखने ये वाले, ठीक है। इसके बाद दो केस है सिंपली सपोर्टेड के, उन्हें देख लेते हैं, हटाते हैं इसे, इसे हटाते हैं, सिंपली सपोर्टेड के दो केस हैं उन्हें देख लीजिए, कौन कौन से, फर्स्ट इज, मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ, केस आप खुद पहचान लीजिएगा क्या है ये। सिंपली सपोर्टेड बी में मिड पॉइंट पर डब्ल्यू लगा दिया, ये केस हो गया, ठीक। इधर को एल वाई टू, इधर को भी एल वाई टू, आधी लंबाई पर लगा हुआ है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट, इसमें जो होता है ना भी इस तरह से डिफ्लेक्ट होती है, इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें, सी पॉइंट पर मैक्सिमम आता है डिफ्लेक्शन सी पॉइंट पर, और स्लोप जो आता है वो साइड में ए और बी पर आता है मैक्सिमम। तो जब हम मैक्सिमम स्लोप निकालते हैं ना, मैक्सिमम स्लोप ए और बी पर दोनों पर बराबर आता है, थीटा ए और थीटा बी, सी पर तो जीरो होता है, ए और बी पर बराबर आता है, कितना आता है इस केस में, जब क्या हो सिंपली सपोर्टेड बीम पर पॉइंट लोड लगा हो। आप सबको बताया था पॉइंट लोड में एल पे पावर टू आता है, एल पे पावर टू आ गया, इसमें यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर इसमें 16 आता है, 16
सोलह ई आई, एक बारी चेक कर लें। सिंपली सपोर्ट नहीं बेटा, हाँ सही है, सही बता रहे हैं, सिक्स ई आई, ठीक है। ये कितना आता है, सिक्सटीन ई आई, सिक्स नहीं सिक्सटीन ई आई, सोलह ई आई, ठीक ये हो गया स्लोप। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है सी पॉइंट पर आता है, सी पर, यहाँ 16 की जगह 3 × 48 आ जाता है। बस पावर का ध्यान रखना, पॉइंट लोड में यहाँ 2 पावर या 3 पावर, यहाँ 16 × 48 ई आई, ठीक ये आ गया। इसके बाद दूसरा केस यूडीएल वाला है, इसका सिर्फ इसमें इधर उधर नहीं लगता कहीं भी, डायरेक्ट दो ही केस हैं सिर्फ, जब सिंपली सपोर्टेड बीम की टोटल लंबाई पर क्या हो, यूडीएल लगा हो। स्मॉल डब्ल्यू इंटेंसिटी का लंबाई एल है, तो यहाँ पर बीच में ही रहता है सी पॉइंट, मिड पॉइंट पर ही, वहीं पर ज़्यादा रहता है सबसे ज़्यादा स्लोप, ठीक है। तो सॉरी डिफ्लेक्शन, तो यहाँ मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम स्लोप वही ए और बी पॉइंट पर ही होंगे, मैक्सिमम सी पर जीरो होता है। तो थीटा ए बराबर थीटा बी बराबर यहाँ पर जो आता है कितना आता है, स्मॉल डब्ल्यू है, यूडीएल है, स्मॉल डब्ल्यू एल की पावर 3 हो जाएगा अपॉन, ये 16 था ये 24 रहता है, 24 ई आई, ठीक है इस तरह से याद कर लीजिएगा। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आता है, डिफ्लेक्शन मतलब विस्थापन, जिसे बाई से प्रदर्शित कर रहे हैं, ये सी पॉइंट पर आता है मैक्सिमम 5 स्मॉल डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 384 ई आई। स्मॉल डब्ल्यू की फॉर्म में याद रखेंगे आप फॉर्मूला, कैपिटल डब्ल्यू में चेंज करेंगे तो यहाँ कैपिटल डब्ल्यू एल की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ भी कैपिटल डब्ल्यू एल की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है स्मॉल डब्ल्यू की फॉर्म में लिख के आइएगा। तो ये फॉर्मूले थे हमारे, यस ये कंप्लीट हो गए हैं, 48 है ये 24 है, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल राइट है, ओके इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्लोप और डिफ्लेक्शन का एक मेथड और होता है डबल इंटीग्रेशन मेथड, उसका बेसिक वाला फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं, हालांकि आप उस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिएगा, पूछेगा भी नहीं, सिविल के तो सिलेबस में भी नहीं है, मैकेनिकल में दे रखा है इसलिए बता देते हैं बस फॉर्मूला, ठीक है ध्यान से सुन लीजिए। डबल इंटीग्रेशन मेथड, अब डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, वो आप लोग याद कर लीजिए, हिंदी में से मौलिक सूत्र कहते हैं, ये होता है e इंटू आई आता है इधर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर इधर मूवमेंट आता है m, ठीक है e और i को मिला के लिख दीजिए एक साथ, इंटू मत लगाइए इस तरह से, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। अब करते क्या है, अगर हम इसका एक बार इंटीग्रल करते हैं तो ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स हमें मिल जाएगा, ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ इधर सिंगल इंटीग्रल, अगर आप सिंगल इंटीग्रल करेंगे ना सिंगल इंटीग्रल तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ से करके दिखाते हैं, ई आई डायरेक्ट लिख दें, ई आई तो कांस्टेंट है सेम रहेगा, ई आई ई इंटू आई यहाँ आ जाएगा कितना डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इसका एक बार इंटीग्रल, एक्स दूरी पर मूवमेंट लेते हैं इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलती है ना, मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, इसी को हम स्लोप कहते हैं, जो थीटा होता है वही स्लोप होता है। अगर इसका एक बार और इंटीग्रल करेंगे, डबल इंटीग्रल करने पर क्या होगा, एक बार और करेंगे तो यहाँ वाई मिलेगा सिर्फ आपको, ई आई इंटू इधर वाई हो जाएगा, बिकॉज डिफरेंशियल का उल्टा होता है इंटीग्रल, दो बार डेरीवेटिव का इंटीग्रल किया तो एक बार डेरीवेटिव बचा, इसका फिर से किया तो ओनली वाई आएगा और इधर डबल इंटीग्रल, इसका जो भी इंटीग्रल आया था इसका एक बार इंटीग्रल ये वाला, तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी वाई की, इस वाई को ही हम डिफ्लेक्शन कहते हैं, इसको स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन मेथड का, आपको रिवाइज हो गया होगा, बाकी पूरा डेरिवेशन आपको यहाँ आवश्यकता नहीं है करने की, यहाँ जस्ट हम फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर आई थिंक सो फिनिश हो गया, हाँ ये चैप्टर पूरा हो गया, अब आपका मूवमेंट ऑफ इनर्सिया वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, इसको हटाते हैं और शुरू करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, थोड़ी सी स्पीड फास्ट रखिए, जल्दी कवर हो जाएंगे आपके सारे चैप्टर, मुश्किल से 2-3 और बचे हैं, इसको हटाते हैं, लिख लीजिए, इसको हटा दिया,
अब नंबर 6 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जिनकी भी स्पीड हमारे साथ साथ चल रही है बहुत अच्छे बच्चे हैं वे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका टाइम बचाने के लिए बस फास्ट चल रहे लेके ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फॉर्मूला क्या होता है, दो तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं, एक मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण, देखा है ना आप सबने, ये कोई अक्ष है इसके अबाउट कोई बॉडी रोटेट कर रही है। सपोज यहाँ पर ये बॉडी है कोई, इसका मास मान लिया आपने एम था, मास एम है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो के मान ली, तो आई बराबर क्या आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से प्रदर्शित करते हैं एम इंटू के का स्क्वायर। आई बराबर एम इंटू के का स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं, आपको पीछे बता चुके हैं परिभ्रमण त्रिज्या। एंड अगर आप एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस केस में मास के प्लेस पे सिर्फ एरिया आ जाता है, किसी सरफेस का एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हम सब ने पढ़े हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से जो के निकलेगा इसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं, ये हम पीछे देख चुके हैं ऑलरेडी, क्लियर, जो कॉलम वाले चैप्टर में। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला हमारा रहेगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, यहाँ लिख देते हैं थ्योरम ऑफ पहले परपेंडिकुलर एक्सिस कर लीजिए, परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम क्या होती है, जैसे ये कोई तीन एक्स है, एक्स एक्स वाई एक्स और इधर ये जेड एक्स, और यहाँ पर कोई भी आपका सरफेस है सपोज, ठीक है, तो जो जेड एक्स इस बॉडी है, कोई बॉडी है, ये कोई भी बॉडी है, इस बॉडी का जेड एक्स के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना वो बराबर होता है एक्स एक्स के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के। ये परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम का फॉर्मूला होता है। दूसरी थ्योरम होती है हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, या आप कह सकते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये की मतलब है। पैरेलल एक्सिस की थ्योरम का मतलब क्या है, जैसे ये कोई भी आपकी बॉडी है, ठीक, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के सेंटर से होके एक अक्ष पास हो रही है, इसे आप सेंट्रोइड एक्सिस सीसी कह सकते हैं, इसके पैरेलल कोई अक्ष है ये वाली एक्स एक्स एक्सिस, तो इस एक्स एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई एक्स एक्स बराबर सेंट्रोइड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में इस ये जो आपका ये सेक्शन ले रखा है आपने, सेक्शन का एरिया इंटू में दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली जिसको आपने एच मान लिया, इस एच का स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है। बोलिए क्लियर है इतना सभी को, ये आपकी थ्योरम हो गई दोनों, ठीक है। इसके बाद पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लीजिए, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हिंदी में इसको ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण। ये क्या होता है, कोई भी सर्कुलर सेक्शन है, इसका एक्स एक्स के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्स के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, जो जेड एक्स के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना इसी को हम पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको जे से प्रदर्शित करते हैं, तो आई जेड जेड जो होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब हमने सर्कुलर सेक्शन का हमें पता है जो एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई डी की घात 4/64 होता है, एक्स के अबाउट भी यही होता है वाई के अबाउट भी यही होता है, जब दोनों के अबाउट सेम है तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है आई जेड जेड, आई जेड जेड आपने पीछे देखा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होता है, और आई एक्स एक्स की वैल्यू और आई वाई वाई की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम ये है, जब आप इन दोनों को यहाँ पर रखेंगे जुड़ जाएगा, जब जुड़ेगा तो ये दो बार आ जाएगा, 2 से 64 32 बार कटता है, इसलिए पाई डी की घात 4/32 इसका फॉर्मूला आता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये केवल सर्कुलर सेक्शन में ही होता है, किसी और सेक्शन में ये नहीं होता पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इतना भी आप सबको याद कर लेना है, हटा दें इसको, क्लियर हुआ। चलिए पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होने के बाद अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उन इंपॉर्टेंट सेक्शन के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और हम देख लेंगे, ठीक है, हटाते हैं इसको, लिखते रहिएगा साथ साथ, समझते चलिएगा, लिखना क्या, पीडीएफ तो आपको देंगे ही, हमने बोल दिया है आज ही मिल जाएगा लेक्चर के जस्ट बाद ही, ठीक, समझते चलिए, बस फास्ट फास्ट कवर कर लेना जल्दी से। आगे लिखेंगे आप क्या, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ इम्पोर्टेंट सेक्शंस, इम्पोर्टेंट सेक्शंस, कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला फर्स्ट इज रेक्टेंगुलर सेक्शन, पहला है रेक्टेंगुलर सेक्शन, हिंदी वाले बच्चे आयताकार काट कह सकते हैं। अगर ये कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सपोज ये इसकी चौड़ाई बी है, गहराई डी है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई ये वाली है बी, ठीक है। इसमें एक तो एक्स अक्ष है आपके सामने, ये हमने इसको नाम दे दिया एक्स एक्सिस, और ये दोनों ही सेंटर से पास हो रही है। दूसरी है वाई एक्सिस, है वाई एक्सिस। तो इस केस में आई एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू डी की घात 3/12 होता है ना, और वाई वाला फॉर्मूला उल्टा कर दीजिए ऊपर जो लिखा है इसको, डी पहले बी की पावर 3/12। ये होते हैं आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के फॉर्मूले, ठीक है, समझ पा रहा सभी। अब आपको जेड एक्स के अबाउट भी निकालना, दोनों को जोड़ दीजिएगा परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम से, इन दोनों को जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी वो जेड एक्स के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। रेक्टेंगुलर के बाद दूसरा आता है ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर सेक्शन, त्रिभुजाकार काट का, त्रिभुजाकार काट में सपोज ये कोई ट्रायंगल बन रहा है, ये इस तरह से ट्रायंगल है, चौड़ाई बी है, या तो ऊंचाई को एच लिख दीजिए या डी लिख दीजिए, ठीक है, इसको डी या एच, सपोज एच लिख दिया। यहाँ इसका सेंटर है, कहीं सेंटर से होकर एक तो एक्स अक्ष जा रही है इस तरह से, एक वाई एक्स जा रही है लाइक डैट, ये कोई वाई एक्सिस है ये वाली। फिलहाल एक्सिस एक्सिस के अबाउट देख लीजिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा इसका, आई एक्स एक्स बराबर सेम फॉर्मूला ये रहता है, बस 12 की जगह 36 हो जाता है, बी इंटू डी की जगह एच है, एच की पावर 3/36 हो गया। अब वाई के अबाउट निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे इसको आप, वाई के अबाउट आई वाई वाई क्या हो जाएगा, डी इंटू बी की पावर 3/36। ये आपका रेक्टेंगुलर और ट्रेंगुलर का हो गया। तीसरा देख लीजिए सर्कुलर का, सर्कुलर जो मेन मेन है उन्हें करा दे रहे हैं, सर्कुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन मतलब ये कोई सर्किल है, इसमें तीन एक्सिस पॉसिबल हैं, तीन एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तीसरी जेड एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्स के अबाउट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, आई एक्स एक्स बराबर आई वाई वाई बोल लिया, क्या होता है पाई डी की घात 4/64, यस। और जेड एक्स के अबाउट इसको पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, यहाँ पर 32 हो जाता है, पाई डी की घात 4/32। ये हमारे सर्कुलर सेक्शन के लिए हो गए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले, इतना क्लियर, ये भी ख़त्म, इसमें भी इतना ही था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर के फॉर्मूले भी हमने रिवाइज कर लिए, ये सब आपको याद होंगे, आपको पढ़ाया गया, जस्ट आपके सामने एक बार दिखा दिया जा रहा है लिख के फास्ट फास्ट कि क्या क्या होता, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, और एग्जाम टाइम पर भी आप इसमें बार बार देखेंगे तो आपको एक ही जगह सारे फॉर्मूले दिखाई दे जाएंगे, जिससे न्यूमेरिकल लगाते समय ये पूरी तरह माइंड में सेट हो जाएंगे सर ने क्या क्या बताए थे, ठीक है। अब ये कॉमन वाला पार्ट कवर हो गया, दो मिनट में जरा सा हम सिविल वाला एक चैप्टर है जिसका नाम है शियर स्ट्रेन इन बीम, तो शियर स्ट्रेन इन बीम जो है ना, शियर स्ट्रेस इन बीम यानी कर्तन प्रतिबल, बीम में कर्तन प्रतिबल के फॉर्मूले हैं सिविल वालों के लिए, सिर्फ 5 मिनट में उन्हें रिवाइज करेंगे, और 5 मिनट के जस्ट बाद ही आप लोग स्किप कर सकते हैं इतना पार्ट, मैकेनिकल वाले बच्चे, मैकेनिकल वालों का टॉर्जन शुरू करेंगे और स्ट्रेन एनर्जी और थिन सिलेंड्रिकल स्फेरिकल सेल वाला पार्ट, तो सिविल वाले जरा देख लेंगे अगले 5 मिनट तक, उसके बाद सिविल वाले बच्चे चले जाएंगे, फिर मैकेनिकल के जुड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन वाले फॉर्मूले नहीं लिखे मैकेनिकल के बच्चों के लिए, काफ़ी ब्रॉड पोर्शन था, प्लीज़ करके आप लोग लिख लीजिए उन्हें, ठीक है। बाकी तो आपका मोहर सर्किल से आएगा न्यूमेरिकल, उसमें कोई भी आया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैंने वहाँ जो पढ़ाए थे आपको उन्हें आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्लेन वाले जो थे। चलिए लिखते हैं सिविल वाले बच्चों के लिए, शियर स्ट्रेस इन बीम, शियर स्ट्रेस इन बीम, बीम यानी धरन में कर्तन प्रतिबल, तो इसमें पहला फॉर्मूला हमारा आता है शियर स्ट्रेस का, शियर स्ट्रेस का फर्स्ट फॉर्मूला, पहला शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे बीम का ये कोई सेक्शन है, सपोज ये बीम का सेक्शन है, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस हो गई, न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पर आपने कोई एक सेडेड पोर्शन ले रखा है, ये
इस शेडेड पोर्शन पर इसको हम क्यू से या फिर इसको टाओ से प्रदर्शित करते हैं। सपोज इस शेडेड पोर्शन का एरिया ए ले लिया आपने, इसका एरिया क्या है, ए है ए, और ये न्यूट्रल एक्सिस से बाई दूरी पर है, बाई दूरी पर, ठीक है। एंड यहाँ इसका सेंटर है, सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक की जो दूरी है वो बाई बार है, बाई बार, ठीक। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। इसकी चौड़ाई बी है और डेप्थ मान ली यहाँ से यहाँ तक डी है, डी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यू जो होता है, आपको ट्रिक भी बताई थी, शियर स्ट्रेस बराबर फाइव होता है, फाइव 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 आई इंटू बी फाइव, ठीक है, यही तो होगा। एफ की वैल्यू, एफ आपको दिया जाएगा शियर फोर्स होता है, एफ यहाँ पर क्या होता है, शियर फोर्स, ए मतलब एरिया होता है, एरिया किसका लेते हैं, ओनली शेडेड पोर्शन का, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में दिया जाएगा कितना पोर्शन शेडेड है, कहाँ पर आपको निकालना है। अगर सेंटर पर पूछेगा तो पूरा पोर्शन शेडेड रहेगा, जहाँ पर पूछेगा वहाँ तक का एरिया आपको ले लेना है, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इसके बाद बाई बार आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है न्यूट्रल एक्सिस से शेडेड पोर्शन के सेंटर की दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से शेडेड पोर्शन के सेंटर तक की जो दूरी है वो बाई बार है। और क्या आई, आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये टोटल टोटल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, टोटल टोटल क्रॉस सेक्शन या टोटल सेक्शन, ये मैंने कैपिटल लेटर में इसलिए लिखा था कि आपको याद रहे, बाकी सब कुछ शेडेड पोर्शन का लेंगे, आई हमेशा हम टोटल सेक्शन का, आई क्या हो जाएगा यहाँ पर बी इंटू डी की घात 3/12 टोटल का लेंगे, ठीक। बी जो होता है चौड़ाई, ये हमारी चौड़ाई होती है, इसे इंग्लिश में विड्थ कहते हैं, विड्थ, विथ ऑफ, ये भी शेडेड पोर्शन की चौड़ाई ली जाती है, सिर्फ शेडेड पोर्शन। अब चूंकि यहाँ पर तो रेक्टेंगल शेप का है, तो यहाँ पर जितना भी है उतना ही भी यहाँ होगा शेडेड पोर्शन का, लेकिन ट्रायंगुलर में ये आपका बी की वैल्यू अलग हो जाती है, ठीक है, वो डिफरेंट रहती है, वो निकालनी पड़ती है हमें। तो मेन फॉर्मूला तो ये वाला हो गया आपका फाइव वाला शियर स्ट्रेस का। अब कुछ सेक्शंस के लिए हम देखेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्यू मैक्स का मान कितना होगा, ट्रायंगुलर के लिए कितना होगा, सर्कुलर के लिए कितना होगा, इनको देख लीजिए, बस उतना ही आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, बाकी डेरिवेशन वाला पार्ट आपको कल की क्लास में बता दिया था, ठीक है। अब देखिए फॉर, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फर्स्ट इज फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्यू मैक्स का जो फॉर्मूला होता है ना, क्यू मैक्स बराबर एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन में 8i। रेक्टेंगल तो आप सब बना लेंगे ना, ये रेक्टेंगल है, कोई आयत है, ये आयत, इसमें ये b होता है, ये d होता है, तो f आपको दिया जाएगा, d मतलब ये वाली वैल्यू, इसका स्क्वायर, d का स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक का, और i मतलब क्या होता है, बी डी की घात 3/12 होता है, ठीक है, ये हमें पता ही है। तो i का d का मान रखेंगे, इजीली हमें क्या मिल जाएगा, क्यू मैक्स की वैल्यू, और q जो मैक्सिमम होता है बेटा, वो न्यूट्रल एक्सिस पर होता है मैक्सिमम, ये एवरेज का 1.5 गुना होता है, क्यू एवरेज का कितना, 1.5 गुना, यानी 1.5 इंटू क्यू एवरेज। आप कहेंगे सर क्यू एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्यू एवरेज का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया मतलब बी इंटू डी, बी इंटू डी, तो इसको 1.5 एफ अपॉन बी डी भी हम बोल सकते हैं यहाँ से, क्यू मैक्स को, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया, समझ पा रहे हैं इतना सभी। चलिए इसके बाद, इसके रेक्टेंगुलर के बाद दूसरे नंबर पर ट्रायंगुलर सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन में क्या होता है, यहां 12 हो जाता है, क्यू मैक्स बराबर ट्रायंगुलर सेक्शन में ये 12 हो जाता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। एफ एफ इंटू डी की जगह एच कर दीजिए, हाइट है, का स्क्वायर अपॉन 12i, 12i हो जाता है। ये भी जो आता है क्यू एवरेज का 1.5 गुना ही आता है, 1.5 इंटू क्यू एवरेज। अब यहाँ पर क्यू एवरेज का फॉर्मूला अलग रहता है, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के केस में जो क्यू एवरेज का फॉर्मूला होगा वो फोर्स अपॉन एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बी इंटू एच, यहाँ पर ये रहेगा क्यू एवरेज का फॉर्मूला,
यहाँ पर b इंटू डी था एरिया, यहाँ पर एक बट्टे दो b इंटू एच रहेगा एरिया, ठीक है एवरेज वाला। ट्रायंगुलर हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर सर्कुलर, सर्कुलर सर्कुलर सेक्शन में क्या हो जाएगा, सर्कुलर में q मैक्स का फॉर्मूला यहाँ पर रहेगा आपका सर्कुलर में एफ डी स्क्वायर अपन 12i, यहाँ पर भी 12 रहेगा एफ डी, यहाँ पर डी डायामीटर रहेगा सर्किल का डायामीटर, कैपिटल डी लिख रहा हूँ, एफ डी स्क्वायर अपन 12i, ठीक है ये वाला। और यहाँ पर जो क्यू मैक्स रहता है वो 1.33 होता है एवरेज का, 1.33 होता है क्यू एवरेज का। और यहाँ पर क्यू एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, सर्किल का एरिया पाई बाई फोर डी स्क्वायर, ये वाला ठीक है। यहाँ पर क्यू मैक्स और ये क्यू एवरेज की वैल्यू हमने लिखी है यहाँ पर। तो ये तीन सेक्शन हो गए, तीनों के लिए समझ आ गया सभी को ये। इसमें शियर स्ट्रेस इन बीम इतना ही था भाई, ठीक है। सिविल का पोर्शन भी ये वाला कवर हो गया, इतने ही फॉर्मूले थे सिविल के लिए इसमें। अब चलते हैं मैकेनिकल की ओर। सिविल वाले बच्चे यहीं के बाद क्लास को रोक दीजिए, आप लोग अपना और सब्जेक्ट जो भी रिवाइज करने उन्हें कर लीजिए। अगर आपको ये फॉर्मूले का PDF नहीं मिला तो जाइए जल्दी से एप्लीकेशन पर, वहाँ जा करके इस PDF को डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिए एक बार PDF की फॉर्म में अपने से, धीरे धीरे, ठीक है। जहाँ दिक्कत आए वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो सिविल वालों के लिए नमस्कार। अब चलते हैं मैकेनिकल वालों की तरफ। चलिए मैकेनिकल वाले बच्चे देखेंगे आगे, चलिए इसे हटाते हैं। आ गए सभी मैकेनिकल के बच्चे। अब टॉर्जन वाले चैप्टर को देख लीजिए आप लोग। पहले टॉर्जन चैप्टर के फॉर्मूले देखिए। टॉर्जन लिख लीजिए यहाँ पर, टॉर्जन चैप्टर का नाम है टॉर्जन। टॉर्जन में सबसे पहले हम टॉर्जन इक्वेशन देखेंगे। हिंदी में मरोड़ समीकरण कहते हैं इसको, मरोड़ समीकरण। टॉर्जन इक्वेशन सभी जानते हैं क्या होता है, टी अपॉन जे बराबर टाओ अपॉन आर बराबर जी थीटा अपॉन एल, ये होती है टॉर्जन इक्वेशन, ठीक है। सभी को पता है टॉर्जन इक्वेशन के बारे में। अब इसके टर्म सुन लीजिए एक एक करके। यहाँ पर टी क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्क होता है। मैक्सिमम टॉर्क मतलब अधिकतम मरोड़ घूर्ण, अधिकतम मरोड़ घूर्ण, ये न्यूटन इंटू मीटर में लिया जाता है या फिर न्यूटन इंटू mm में इसको लेते हैं। जे होता है यहाँ पर हमारा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्सिया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्सिया मतलब ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण। इसकी वैल्यू हम सबको पता है, इसकी वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है सबको, पाई डी की घात 4/32 होता है, ठीक है ये वाला फॉर्मूला जे के लिए। टाओ यहाँ पर शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस कर्तन प्रतिबल न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिया जाता है। आर यहाँ पर रेडियस होता है, शाफ्ट की रेडियस, रेडियस ऑफ शाफ्ट। इसके बाद जी यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यहाँ पर भी यूनिट लिख लीजिए, रेडियस है मीटर में या फिर mm में लिया जाता है इसको। ये हमारा दृढ़ता मापांक होता है या फिर कर्तन मापांक। इसको भी हम जो शियर स्ट्रेस का यूनिट था न्यूटन पर mm स्क्वायर, वही सेम इसका यूनिट होता है। थीटा यहाँ पर एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है, मरोड़ कोण, एंगल ऑफ ट्विस्ट मरोड़ कोण। इसका जो होगा यूनिट वो रेडियन होता है, रेडियन, ठीक है। एल यहाँ पर लेंथ होती है शाफ्ट की, लेंथ ऑफ शाफ्ट। ये तो हो गई आपकी टॉर्जन इक्वेशन के बारे में। बोलिए टॉर्जन इक्वेशन क्लियर हुआ। इसके बाद इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है हमारा टॉर्जन रिजिडिटी, टॉर्जन रिजिडिटी, टॉर्जनल रिजिडिटी का दूसरा नाम भी होता है स्टिफनेस, कड़ापन, स्टिफनेस। इसको मरोड़ दृढ़ता या फिर स्टिफनेस मतलब कड़ापन भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप सबको ट्रिक बताई थी बड़ी प्यारी सी, याद होगा सभी को, जी जे, ठीक है। टॉर्जनल रिजिडिटी का फॉर्मूला जी जे होता है। अगर आप इसमें जी और जे की वैल्यू निकालेंगे तो देखो जी और जे इनको निकाल लो, एल इधर ले गए, क्या जाएगा ये जी जे बराबर एल को इधर ले जाओ, टी एल हो गया, टी इन टू एल अपॉन में, इन दोनों को लेके कर रहे हैं हम, टी एल हो गया अपॉन में जी जे लेना, थीटा आ जाएगा इसके नीचे थीटा, ठीक।
ये आ गया टी एल अपॉन थीटा, बिल्कुल सही है, समझ आया यहाँ तक। एक और है अगला टॉपिक आपका, इसमें पावर ट्रांसमिटेड, शक्ति जो होती है पारेषित शक्ति, ट्रांसमिटेड पावर ट्रांसमिटेड पी बराबर कितना होता है बोलिए, पी बराबर एन टी अपॉन 9550, ये किलोवाट होता है, किलोवाट। दैट मीन्स यहाँ पी फॉर पावर होता है किलोवाट में, एन फॉर चक्करों की संख्या होता है आरपीएम में, राउंड पर मिनट में, टी फॉर टॉर्क होता है, ये वाला टॉर्क, और टॉर्क जो आता है वो यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर में रखते हैं, और पावर हमें यहाँ पर पावर जो मिल जाती है वो किस में मिलती है, किलोवाट में। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तीनों की यूनिट होती है। इसके बाद टॉर्जन में और कुछ खास नहीं है, टॉर्जन फिनिश आपका, ठीक है, टॉर्जन कवर हो गया। अब स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले की ओर मूव करते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ, इतना ही फॉर्मूले आपको मेन थे टॉर्जन में, ठीक है, जस्ट लास्ट चल रहा है आपका क्लास, जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक, कुछ टाइम ज़्यादा ही लग गया इनमें, बिकॉज मैंने पूरी बुक के ही फॉर्मूले आपको रिवाइज कर दिए, कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ एक आपका प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस के फॉर्मूले नहीं कराए, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले थे, उनको आप लोग देख लीजिएगा, आप जो पुराना लेक्चर कराया था मोहर सर्किल से पहले वाला। स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी वास्तव में यू होती है, वर्क डन होता है, ये क्या होता है, वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स लेते हैं इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो आपका कुल कार्य होता है, और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, इसको लेते हैं। अब यहाँ अलग अलग केस होते हैं, पहला केस होता है हमारा फॉर ग्रेजुअल लोडिंग, ग्रेजुअली लोडिंग, जब धीरे धीरे लोड लगाते हैं आप, तो उस केस में स्ट्रेन एनर्जी यू बराबर कितना आता है, पी स्क्वायर एल अपॉन टू ए ई, पी स्क्वायर एल अपॉन टू ए ई, एक बारी चेक कर लें, हाँ यही होता है। सिग्मा के पदों में अगर आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर आता है, आयतन वी मिलता है, नीचे ए नहीं मिलता, फिर टू ई मिलता है सिर्फ, बी स्क्वायर यानी सिग्मा स्क्वायर बी अपॉन में टू ई, बी यहाँ वॉल्यूम होता है, सिग्मा स्ट्रेस होता है, सिग्मा स्क्वायर बी अपॉन टू ई, ये रहता है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लिखना है फॉर सडन लोडिंग, सडन मतलब जो अचानक से लोड लगता है, सडन लोडिंग के केस में सिर्फ नीचे का टू हट जाएगा यहाँ से, यू बराबर आएगा पी स्क्वायर एल अपॉन ए ई, ठीक है, सडन लोडिंग के केस में। इसके बाद ये हो गया कवर आपका, देन आफ्टर आगे है आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस ठीक है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का फॉर्मूला क्या होगा, जो ये आपने स्ट्रेस निकाला था ना, इसको हम प्रूफ, ये जो स्ट्रेन एनर्जी है ना, इसका दूसरा नाम हमारा प्रूफ रेजिलेंस भी होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को हम प्रूफ रेजिलेंस कहते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को हम क्या कहते हैं, प्रूफ रेजिलेंस, जो अधिकतम विकृति ऊर्जा को प्रूफ रेजिलेंस कहा जाता है। तो प्रूफ रेजिलेंस का अनुपात और जो वॉल्यूम होता है, प्रूफ रेजिलेंस और वॉल्यूम का जो अनुपात होता है, इसको मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस कहते हैं, इन शॉर्ट इसको हम MOR से डिनोट कर देते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बराबर, यहाँ पर वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम हट जाएगा यहाँ से, फॉर्मूला जाता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू ई, ये फॉर्मूला जाता है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का, ठीक है, हाँ यही दे रखा है बिल्कुल। अब आगे लिख लीजिए स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू, यस स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू किसके कारण, शियर के कारण स्ट्रेन एनर्जी यू बराबर, शियर के कारण क्या आएगा, देखो यहाँ कौन सा डायरेक्ट स्ट्रेस है, यहाँ शियर स्ट्रेस लग जाएगा, टाउ का स्क्वायर इंटू वी सेम रहेगा, टू इंटू ई की जगह जी हो जाएगा, ये आपका ड्यू टू शियर स्ट्रेस हो जाता है, लिख लीजिए पूरा, ड्यू टू शियर स्ट्रेस। कर्तन प्रतिबल के कारण, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रतिबल है ना आपका, वहाँ पर कर्तन प्रतिबल हो जाएगा, ई की जगह जी हो जाएगा, इस कर्तन मापांक, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब ड्यू टू बेंडिंग का भी याद रखना आप एक फॉर्मूला, ड्यू टू बेंडिंग, क्योंकि उस पर
छोटे छोटे केसेस बनते हैं ड्यू टू बेंडिंग। बेंडिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन में हेल्प होता है, हेल्प करेगा आपको। यू बराबर यहाँ आता है 1 अपॉन 2 ई आई इंटीग्रल ऑफ 0 से एल लेंथ रहता है एम का स्क्वायर इंटू में डी एक्स। किसी भी बीम का अगर हमें निकालना हो किसी बीम के लिए तो उस केस में हम क्या करेंगे, बस एम मतलब मूवमेंट ले लेंगे एक्स दूरी पर, ये आपको सिखा रखा है, मूवमेंट लेंगे एक्स दूरी पर यहाँ पर वैल्यू पुट करके और यू इजीली निकाल देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब मैकेनिकल का एक बचा है आपका थिन सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल सेल। तो थिन सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल सेल के फॉर्मूले में आपको यहाँ नहीं लिखवा रहा, उसका रीज़न है क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं गया है वो। जब पढ़ाया नहीं गया तो उसको मैं अलग से सोच रहा हूँ कि एक लेक्चर ही ले लें उस पर, और वो भी बहुत स्लो मोशन में धीरे धीरे समझा करके, ठीक है। यहाँ पर रिवाइज कर भी देंगे तो उतना बुक में भी लिखा हुआ कोई मतलब नहीं उसका। तो आपका जो थिन सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल सेल है ना, फिर भी अगर आपको केवल फॉर्मूले चाहिए तो मैं टेलीग्राम उस पर एप्लीकेशन पर डाल दूंगा पीडीएफ, वहाँ से आप देख लीजिएगा इसके फॉर्मूले। इसके अलावा पूरा चैप्टर आपका ये बचा हुआ है, इस चैप्टर को मैं लास्ट में कवर कराऊंगा जब रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम बहुत जल्द अगले लेक्चर में, जिसमें हम जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, इंपॉर्टेंट थ्योरी, उसको आराम से समझेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या था, ये डायरेक्ट फॉर्मूले तो आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, इसीलिए मैंने आपको सिंगल लेक्चर में इनको रिवाइज करा दिया है ताकि आपके फॉर्मूले एक पास बने रहें। उम्मीद है आपको समझ आया होगा सब कुछ। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।